आरंभ गांधी जी के प्रिय भजन गुजराती के आदि कवि नरसिंह मेहता द्वारा लिखित वैष्णव जन को देने कही है। मूल में गुजराती में लिखा है, लेकिन मैंने केरल में भी सुना है और असम में भी सुना है। एक प्रकार से वो राष्ट्रीय गाना ही हुआ है और महाराष्ट्र में तो इस गाने को समझने में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। ये वैसा वो गाना है जो दक्षिण अफ्रीका से गांधी ने अपने प्रार्थना में दाखिल किया था और दिल्ली में अंतिम दिन तक उस गाने ने उनकी प्रार्थना में स्थान अपना रखा था। तो वैष्णव जन को देने के वैष्णव जन को देने कही।
त्रिविध प्रणाम करके इस कथा का आरंभ करता हूँ। प्रथम प्रणाम परमात्मा को, जिसकी प्रेरणा से ये कथा करने का सूझा और जिसकी प्रेरणा से आज ये 76वीं कथा आरंभ हो रही। द्वितीय प्रणाम हमारी कथा के नायक महात्मा को करता हूँ, जिन के सहवास का सुयोग मुझे ऐसा प्राप्त हुआ कि जो अगर मैं उस आनंद को सिर्फ अपने लिए ही सीमित रखता तो स्वार्थी बनता। मेरी ये गांधी कथा एक प्रकार से अपने उस आनंद की भावना का बंटवारा ही है। तृतीय प्रणाम लोकात्मा को, जो आप लोगों के रूप में यहाँ प्रकट हैं, जिन्होंने बारिश के एक प्रकार से विघ्न का मुकाबला करते हुए और इतने कम समय में पूरे आयोजन का स्थान बदल कर इतना अच्छा आरंभ कर लिया है। लेकिन प्रणाम मैं जो करता हूँ वो तो मुझे हर कथा में श्रोताओं की श्रद्धा जो मिलती है उसके लिए प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे शक्ति है। एक प्रसंग मुझे याद आता है बचपन का, जब मुझे यज्ञों को भी दिया गया था गांधी सेवा संघ की एक मीटिंग के साथ साथ कर्नाटक में एक छोटे से आश्रम में कुमरी उस गांव का नाम था। और अचानक जबरदस्त बारिश शुरू, इसलिए क्या व्यवस्था होगी, कैसे की जाएगी, ये प्रश्न सबके लिए था। उस कुमरी आश्रम के एक छोटे भाग में पहले से निर्णय हो चुका था, इसलिए उस निर्णय के अनुसार गांधी जी के आशीर्वाद से और गांधी जी की उपस्थिति में दो आश्रम कन्याओं की शादी हो रही थी। एक गांधी जी की पौत्री हरिलाल गांधी की पुत्री मनुबहन गांधी थी और दूसरी महादेव भाई की छोटी बहन निर्मला
मेरी फूफी, इन दोनों की शादियां हो रही थी और मेरे चाचा जो मुझसे 3 साल बड़े थे और मैं, हम दोनों को यज्ञोपवीत जनेऊ दिया जा रहा। कुल मिलाकर वो 2 जोड़ियां माने 4 और हम 2 माने 6 लोगों का ये प्रसंग था। और उस प्रसंग में आपको इतनी जानकारी मैं जरूर दे दूँ, जो बात मुझे याद आ रही है वो तो दूसरी कहने वाला हूँ, लेकिन चूंकि अभी माहौल थोड़ा अलग प्रकार का है देश का, इसलिए ये बात करके भी दे दूँ कि वो गांधी जी की उपस्थिति में हुए उन विवाहों का, लग्न के उत्सव का, प्रत्येक लग्न के पीछे 6 रुपया खर्च हुआ था। 6, उसके बाद फिर कोई 100,000,00,000 इत्यादि नहीं। हालांकि कभी कभी आजकल के आंकड़े वो लाख से भी ऊपर जाते हैं, लेकिन गांधी जी ने व्यवहार पूरा किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा प्रसंग है, आशीर्वाद देने हैं, लेकिन मैं कुछ इन लोगों को उपहार भी देना चाहता हूँ। कोशिश की गई तो गांधी जी को पास के किसी गांव से, एक बड़ा गांव था, वहाँ से 2 किताबें उसकी 6-6 प्रतियां मिली। तो 6 लोगों को 2-2 प्रतियां गांधी जी ने भेंट के रूप में दी और 12 किताब में 12 अलग-अलग संदेश लिखकर अपने हस्ताक्षर करके, और हर एक किताबें तो वही थी, हम 6 लोगों को वही 2 किताबें थी, लेकिन संदेश हर एक के लिए दोनों किताबों में भी अलग अलग संदेश था। हर कुल 12 संदेश गांधी जी ने एक एक वाक्य के ही सही लेकिन दिए। बाकी के 5 लोगों को जो संदेश दिए हुए हैं वो उस समय तो पढ़े थे लेकिन मुझे याद नहीं है। इस घटना को 70 साल से कुछ अधिक हुए, लेकिन मुझे जो 2 किताबों पर संदेश उन्होंने लिख कर दिए थे वो मुझे आज तक याद है। और वो इस कथा के साथ प्रस्तुत है, इसलिए मुझे वो घटना याद आ गई, बारिश के कारण और गांधी के दिए हुए उस संदेश के कारण। पहली किताब जो थी वो थी आश्रम भजनावली। गांधी जी के आश्रमों में जो भजन गाए जाते थे उनका संग्रह था। पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने उसका संपादन किया था और उन भजनों में राग, शास्त्रीय संगीत के राग भी दिए थे, राग ताल इत्यादि भी लिखा हुआ। तो वो उस किताब में गांधी जी ने एक वाक्य लिखा था, बनी आदमी थे, छोटे से वाक्य में जितना ज़्यादा लिख सकते थे सारा लिख कर दे दिया था उन्होंने। उन्होंने लिखा था मेरे लिए कि इस किताब में जितने भजन हैं वो सब समझ कर कंठस्थ करना, एक ही वाक्य में सब भजन कोई छोड़ना मत, समझे बिना गाना मत, और गाना को कंठस्थ करके गाना। ये 3 अपेक्षा उन्होंने एक ही वाक्य में लिख कर दी थी।
और उसको जब हमने पढ़ा तो फिर ही हम काफी छोटी उम्र के और आश्रम में वो भजन सुनते भी थे, इसलिए सोचे हाँ ये तो बापू का आदेश है लेकिन कोई खास कठिन नहीं, कर लेंगे, थोड़े कुछ गाने कंठस्थ नहीं है तो वो कर लेंगे, और अगर अर्थ नहीं समझते होंगे तो पिताजी से पूछ लेंगे, हमारे लिए तो रेफरेंस वो था। दूसरी किताब जो थी वो भगवत गीता का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद जो किया है उस किताब का नाम उन्होंने अनाशक्ति योग ऐसा दिया। अपने देश में जिन चिंतकों ने भगवत गीता के बारे में या अनुवाद किया है या भाष्य किया है उन लोगों ने उस किताब में से उनकी दृष्टि से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार या संदेश मालूम होता है उस विचार के अनुसार उन्होंने उस अनुवाद के ग्रंथ का नाम दिया है। कोई कर्मयोग कहता है, कोई पूर्ण योग कहता है, कोई साम्य योग कहता है, गांधी जी ने उसे अनाशक्ति योग ऐसा नाम दिया। तो उस अनाशक्ति योग वाली जो किताब जो उस उम्र में मैं समझ नहीं सकता था लेकिन उसमें उन्होंने जो वाक्य लिखा था वो थोड़ा बहुत समझ सकता था। उसमें उन्होंने वाक्य जो लिखा था अपने प्राचीनों की संस्कृत भाषा में ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। कद में वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन अर्थ में वो बड़े होते हैं और वो युगो युगों तक चलते हैं। उदाहरण के लिए तत्त्वमसि तू वो है तो छोटा वाक्य लेकिन वो वेद काल से आज तक चलता है और अर्थ उसका बड़ा गंभीर है। या सो अहम वो भी उसी प्रकार का महावाक्य है। गांधी का वाक्य उससे तो थोड़ा लंबा था लेकिन मेरे लिए तो वो महावाक्य सिद्ध हुआ। उन्होंने इतना ही लिखा था, तेरे लिए जो आशाएं रखी है वो पूरी करना। अब क्या आशा रखी है उसकी कोई उन्होंने परिभाषा नहीं की लेकिन बहुवचन में था, आशाएं रखी है वो पूरी करना। तो वो एक वाक्य उसके बाद के 70 वर्ष में जीवन में काफी मोड़ आए तो हर मोड़ के समय वो वाक्य याद आता रहा। पहले तो उस समय यही समझा था कि आशा क्या रखी है, आश्रम वृंदावनी के सब भजन याद रख कर लेना तो हाँ वो तो कर लूंगा ऐसी उम्मीद थी और उस समय तो कर लिए थे, आज शायद उसमें से कुछ भूल भी गया लेकिन उस समय तो किए। फिर थोड़े और बड़े होने पर 1942 का जब आंदोलन हुआ तेरे लिए क्या आशा रखी होगी, जवान लोगों को तो उस आंदोलन में पढ़ना ही चाहिए तो चलो उसमें कूदेंगे। 42 आंदोलन का एक सप्ताह पूरा नहीं हुआ था और आगा खान महल की जेल में पिताजी का निधन हुआ और तब मेरे लिए फिर एक बार सोचने का विषय आ गया। परिवार में मेरी माँ, मेरे पिता और मैं, हम तीन लोग, तो इस समय माँ के पास रहूं या आंदोलन में कूदूं, इस विषय का जवाब मुझे बापू के उस वाक्य के परिप्रेक्ष्य में सोचना था, तेरे लिए जो आशा रखी है वो पूरी करना। एक 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 घटना के साथ साथ यही एक वाक्य, यही एक वाक्य जो हमको छूता रहता था,
आज के इस बारिश के कारण मुझे वो कुमरी आश्रम याद आ गया, और वो वाक्य भी इसलिए याद आया कि हम में से बहुत सारे लोग काफ़ी उत्साहपूर्वक, और कुछ सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे कह रहे हैं इसलिए भी कहते होंगे, लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। तो जो लोग गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं वो लोग शायद ये सोच सकते हैं कि ये वाक्य लिखा है वो केवल हमारे घर में हमारा नाम था बाबला, तो वो केवल उस बाबला के लिए था या उन सब लोगों के लिए है जो उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। 1948 की 30 जनवरी को इस देह से मुक्त होने के बाद, वो जब नहीं रहे हम लोगों के बीच में शरीर से, तो क्या हम लोगों से कोई आशा उन्होंने नहीं रखी होगी? जो लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, तो तेरे लिए जो आशा रखी है पूरी करना, वो संदेश वो न सिर्फ बाबला के लिए है लेकिन उस देश के सभी लोगों से के लिए है जिन्होंने उनको एक बार भी राष्ट्रपिता कहा। तो उस प्रसंग की मुझे अचानक याद आ गई, इसलिए मैं जो ये किताब में नोट्स लेकर आया हूँ उसमें वो प्रसंग नहीं था, लेकिन ईश्वर की कृपा जो वृष्टि के रूप में हम लोगों पर प्रकट हो रही, ईश्वर की कृपा अलग अलग रूप से प्रकट होती है। कभी कभी वो हमको वरदान मालूम होती है, कभी कभी अभिशाप मालूम होती है, लेकिन उसकी कृपा को समझने के लिए हमारी योग्यता उतनी नहीं है कि कठोर चीज़ को भी वरदान समझ लें, इसलिए कभी कभी दिक्कत में भी हम आ जाते कैसे। लेकिन हमारी तो मान्यता यह है कि उसका हर काम हम पर तो कृपा दृष्टि का ही काम होता है, उसे झेलने में हमारी योग्यता कितनी है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अपनी जितनी योग्यता हो उनकी कृपा को हम उतना ही झेल सकें। कुल मिलाकर ये जो गांधी कथा का ये पूरा अवसर है और ये मौके इस प्रकार से मैं जो लेता रहता हूँ, उसमें मेरा तो व्यक्तिगत मिशन अपने जीवन में गांधी के आश्रमों में करीब 22 साल बिताने के बाद गांधी जी के अत्यंत नज़दीक रहकर उनके दिन रात उनके साथ काम करते हुए प्रायः 10 साल, भले ही छोटे मोटे काम हो, आज की भाषा में अगर कहूँ तो PA टू प्राइवेट सेक्रेटरी टू महात्मा गांधी, क्योंकि पिताजी गांधी जी के सचिव थे और मैं पिताजी को मदद करता, छोटी मोटी मदद करता था, कभी उनके लेख टाइप कर देता था, कभी उनकी चिट्ठियाँ डिस्पैच करता था, कभी कभी गांधी जी के भी काम कर लेता था। गांधी जी के काम थोड़े अजीब से थे, अजीब से इसलिए कि हम लोगों को उसकी शायद कल्पना न हो। मैं आपको उदाहरण दूँ, कभी कभी कहते थे जरा बाहर चले जाओ, बबूल के कांटे तोड़ कर लाओ। बबूल के कांटे तोड़ना ये गांधी के द्वारा हमको दिया गया मिशन, क्यों? तो उन सब कांटों को एक साइज के काटो और काट कर उसकी पिन बनाओ, क्योंकि उन दिनों वो लगाने वाली जो पिन थी वो विदेश में बनती थी, विदेश की पिन इस्तेमाल नहीं करनी है कागजों में लगाने के लिए, तो बबूल के कांटों की पिन गांधी के दफ्तर में रहती थी। उनके कभी वो कहते थे कि गोंद की जरूरत है, लिफाफा बनाना पड़ेगा,
तो नीम के पेड़ पर चढ़ जाओ, उसमें से कुछ गोंद मिलेगा और उसमें से गोंद बनाया जाए। इस तरह के भी काम। और कभी कभी ये कहते थे कि एक पत्र ऐसा है, वो भी एक गुजराती के एक काफ़ी मशहूर कवि का और करीब करीब गांधी जी की उम्र के थे, उनका एक पत्र आया था। और तब तो मैं थोड़ा अभी जो वर्णन कर रहा हूँ उससे बड़ी उम्र का था। तो गांधी जी ने कहा कि इस पत्र का जवाब तुम ड्राफ्ट करो। तो उस प्रकार के भी आते थे, तो उस पत्र का जवाब हमने ड्राफ्ट किया। और ये विषय ही आ गया तो बता दूं कि मैंने संबोधन में कभी बार ऐसा संबोधन किया और गांधी जी ने कहा कि जरा रुको, वो तो मुझे तो उन्होंने एक अभ्यास दिया था, तो एक चतुर शिक्षक के नाते उन्होंने मैंने जो ड्राफ्ट किया वो ठीक किया कि नहीं वो देखा। और फिर पूछा, तुमने प्रिय या गुजराती में अगर थोड़े उम्र में बड़े हो तो मुरब्बी लिखते हैं, ऐसे किसी संबोधन के बदले में कभी वह ऐसा शब्द इस्तेमाल किया तो क्या? और वो और चिट्ठी गांधी जी के नाम से जाने वाली थी और उसके लिए मैंने पत्र ड्राफ्ट किया था। तो तुम, लेकिन तुम अपने आप क्या उनको गुजराती भाषा के कवियों में श्रेष्ठ समझते हो? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, कवि को लिखना है तो थोड़ी तारीफ करके लिखना मैं कोई। उन्होंने कहा, विशेषण लिखने में भी सत्य की रक्षा ये हमारी पहली शर्त होनी चाहिए। वो मेरे लिए साहित्य का सबक था, क्योंकि साहित्य जो है वो शब्द के अतिशयोक्ति का साहित्य नहीं बनता है, हृदय के भीतर से निकलने वाला पदार्थ, सत्यपूत पदार्थ, अनुभूत सत्य का पदार्थ जब प्रेम के माधुर्य से प्रकट होता है तब साहित्य बनता है। तो उस प्रकार का के पास भी कभी कभी गांधी के साथ रहने से मिलते थे। तो मैंने एक दो उदाहरण अलग अलग प्रकार के आपके साथ में निवेदन दे दिए। तो मेरा मिशन तो जो उस सारे अनुभव के कारण एक आनंदानुभूति होती थी, उस आनंदानुभूति को बांटना ये था। बल्कि उस विषय में यहाँ की गांधी कथा में वो गाना नहीं है, नहीं तो वो गाना भी शायद होता, आज मैंने खोला आनंद का भंडारा, ऐसा गाना है जो यहाँ के जो गाने हमने चुने हुए हैं उसमें नहीं है। लेकिन ये केवल व्यक्तिगत मिशन पूरा करने के लिए ये गांधी कथा नहीं है। मुझे लगता है कि गांधी कथा शायद समाज के लिए भी कुछ उपयोगी सेवा कर सकेगी। गुजरात में सबसे अधिक कथा हुई है मेरी दृष्टि से, पिछले 5-7 वर्षों में गुजरात में जो हिंसा कांड हुए हैं उस हिंसा कांड का एक प्रकार का मेरी ओर से नम्रता से जितना हो सके वो मैं रुका, इसलिए कि आप लोग उसके लिए बाद में मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं उसका विचार करेंगे, उसका विरोध शब्द में नहीं कहने वाला हूं, उसका प्रायश्चित है। क्योंकि मैं इस चीज को दिल की वेदना के साथ इस चीज को अनुभव करता हूं कि वो जो हिंसा हुई है वो हिंसा का मैं भी एक भागीदार हूं। क्योंकि मैं अगर गुजरात के समाज का एक सदस्य हूं
तो समाज के किसी एक सदस्य ने अगर पाप किया तो उस पाप का कुछ हिस्सा मेरा भी है। तो इस कथा के द्वारा रचनात्मक विधायक रूप से मैं अपना प्रायश्चित भी प्रकट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार से इसका कुछ सामाजिक महत्व भी हो सकता है। गांधी विचार को लेकर ये कथा चलती है और गांधी की कथा को लेकर एक कथा चलती है। मैंने कुछ वर्ष पहले गांधी जी की एक बड़ी जीवनी लिखी थी, 2000 पृष्ठ से भी अधिक बड़ी। उसका शीर्षक क्या लिखना ये मैं सोचता था, तो एक अलग नोटबुक में जो जो शीर्षक सूझते थे वो अलग लिखता जाता था और पूरी किताब होने के बाद फिर अंत में जो शीर्षक तय हुआ वो था। मैंने पहले तो सोचा था कि मैं गांधी जी की अंतर यात्रा कहूं, क्योंकि गांधी जी ने अंतर में क्या क्या उसके बारे में सोचा, अपने जीवन में क्या क्या विचार हुए उसको रखूंगा। लेकिन मैं समझ में आया कि गांधी की अंतर यात्रा और बहिर यात्रा एक दूसरे में ऐसी गुथी हुई है कि उन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। तो दोनों को मिलाकर कैसे कहूं, तो गांधी ही से वाक्य हमने उधार लिया जो गांधी जी ने कहा है और दूसरी भाषाओं में जो प्रकट हुआ है, मेरा जीवन मेरा संदेश, वो अनुवाद करने की एक गलत पद्धति के कारण वो संदेश इस प्रकार हुआ है। गांधी जी ने ये वाक्य बांग्ला भाषा में लिखा था 1946 में, जब वो नोआखली में घूम रहे थे अकेले, तब वो समझते थे कि मैं बंगाल में आया हूँ तो बांग्ला भाषा भी मुझे सीखनी चाहिए, इसलिए बांग्ला भाषा सीख रहे थे। लेकिन उनके साथ उनकी यात्रा में कुछ दिनों के लिए और लोग भी आ गए थे, तो एक अमेरिकन सज्जन आए, उन्होंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ संदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा संदेश मुझे कुछ लेने का नहीं है, लेकिन उन्होंने जब आग्रह किया तो गांधी जी ने अमेरिकन आदमी को बांग्ला भाषा में संदेश लिख कर दिया, क्योंकि वो बांग्ला भाषा नहीं सीखते थे, और अपने हाथ से लिखा अमार जीवन ही अमार वाणी, मेरा जीवन ही मेरी वाणी है, मेरा जीवन मेरा संदेश है, उसमें से ही निकल जाता है। और ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मेरा जीवन ही मेरी वाणी है, और वाणी शब्द तो भारत की हर भाषा में है, तो उसके लिए भी संदेश शब्द क्यों रखे, मेरा जीवन ही मेरी वाणी है, ऐसा वो कहा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वो अमेरिकन को जो दिया था इसलिए उसने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया माई लाइफ इज माई मैसेज, तो उसका हिंदी हो जाएगा मेरा जीवन मेरा संदेश है। फिर वो पैसे माई लाइफ इज माई मैसेज का मराठी हो गया, मेरा जीवन मेरा संदेश। लेकिन अगर हम अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर सीधे बांग्ला से मराठी में अनुवाद करें, सीधे मराठी से गुजराती में अनुवाद करें, तो भाषाओं का सामिप्य होने के कारण शब्दों का प्रभाव भी बहुत गुना बढ़ सकता है। इस चीज़ को साहित्य में रुचि रखने वाले एक व्यक्ति के नाते मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। तो इसलिए केवल गांधी विचार कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी विचार और गांधी आचार, गांधी का आचरण, ये दोनों को मिलाकर ये गांधी कथा आप लोगों के सामने निवेदित होगी। और ये मैं आरंभ में थोड़ा ये व्याख्यानबाजी करता हूँ, लेकिन उसके बाद तो फिर मैं प्रसंग ही कहने वाला हूँ और गानों में ही होगा। लेकिन शुरू में मुझे कुछ विचारों की स्पष्टता कर देनी चाहिए, इसलिए मैं ये जरूरत कर रहा हूँ और इस दृष्टता से कुछ विचारों को पहले प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ चित्त शुद्धि और समाज क्रांति ये दोनों विचारों का
संगम होता है वहां गांधी विचार प्रकट होता है। एक तरफ से व्यक्ति की चित्त शुद्धि का प्रवाह और दूसरी तरफ से समाज की क्रांति का प्रवाह, ये दोनों विचार एक होते हैं, एकत्रित होते हैं, वहां वो गांधी विचार बनता है। गांधी ने दुनिया में और विशेषकर अपने देश में चित्त शुद्धि का प्रवाह 10,000 वर्षों से चल रहा है, योग द्वारा, ध्यान द्वारा, एकाग्रता द्वारा, तप द्वारा, तपस्या द्वारा चित्त शुद्धि का मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किया है, व्यक्तिगत चित्त शुद्धि। पश्चिम के देशों ने समाज को बदलने के काफी प्रयोग किए हैं, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकन क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रेंच क्रांति इत्यादि इत्यादि समाज को बदलने के प्रयत्न, वो समाज क्रांति के प्रयास। गांधी ने ये पाया कि केवल चित्त शुद्धि अकेले में चल नहीं सकती, केवल समाज क्रांति अकेले में चल नहीं सकती, दोनों को एकत्रित होना चाहिए। चित्त शुद्धि का परिणाम समाज क्रांति में होना चाहिए और समाज क्रांति का माध्यम चित्त शुद्धि में होना चाहिए, एक दूसरे से तब वो गुथे जाएंगे। तो हम जो कहानी आप लोगों के पास निवेदन करेंगे उसमें इस चीज को देखने का प्रयत्न करेंगे कि एक तरफ से गांधी जहाँ अपने चित्त को शुद्ध करने का लगातार प्रयत्न कर रहा था, वहाँ उस प्रयत्न का माध्यम भी समाज की क्रांति होता जाता था और इसलिए वो दोनों चीजें एक साथ साथ चलती थी। दूसरी प्रकार से अगर देखें, और ये मैं जो विचार कह रहा हूँ वो एक तरफ से विख्यात गणित शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और दूसरे विषयों में भी काफी विज्ञान के विषयों को जानकार बर्ट्रंड रसल का विचार है, लेकिन दूसरी तरफ से वही विचार विनोबा भावे ने भी लिखा है। शब्द थोड़े भिन्न है लेकिन विचार वही है और मैं शब्द विनोबा के इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो मूल बात जो है वो मैंने बर्ट्रंड रसल से ली। बर्ट्रंड रसल ने अपना लंबा सा अपनी आत्मकथा लिखी, उसके अंतिम भाग में और बहुत लंबे उम्र तक वो जिए, जो आत्मकथा भी जो लिखी है शायद लिखते समय उनकी उम्र 80 साल से ऊपर की हो चुकी होगी, तब उन्होंने कहा कि आखिर दुनिया देखी, दुनिया के सवाल केवल तीन है। अब देखिए ये एक विचार का स्वामी, कुल प्रश्नों को का विश्लेषण करके तीन प्रश्नों में समेट करके देता है। दुनिया में सवाल क्या है, तीन है, वो अब मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा क्योंकि वो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, मैन विथ हिमसेल्फ, मैन विथ हिज फेलो मैन, मैन विथ नेचर। ये तीन प्रश्नों में दुनिया के तमाम प्रश्न आ जाते हैं। विनोबा की भाषा में व्यक्ति, समष्टि और सृष्टि, विनोबा का अनुप्रास भी बैठता है। व्यक्ति, समष्टि और सृष्टि, ये तीन के आपस के जो संबंध है उसमें सबके सब सवाल आ जाते हैं। आपको यदि ब्लड प्रेशर होता है, आपको अगर टेंशन मालूम होता है तो वो भी प्रश्न आपका है, आत्महत्या करने वाले के भी वो प्रश्न उसमें शामिल होते हैं, मनुष्य मनुष्य के साथ के संबंधों में हत्या करने वाले के संबंध भी आ सकते हैं, एनकाउंटर करने वाले के संबंध भी आ सकते हैं, युद्ध करने वाले के संबंध भी आ सकते हैं और मनुष्य के सृष्टि के साथ संबंध, निसर्ग के साथ के संबंध में ग्लोबल वार्मिंग भी आ सकता है और जाने क्या क्या प्रश्न उसमें सारे। तो कुल मिलाकर इन तीन प्रश्नों में ये तीनों प्रश्नों को छूना
ये गांधी के विचारों के सामने चैलेंज है। और जहाँ तक मैं समझा हूँ, गांधी ने इन तीनों प्रश्नों को स्पर्श किया और इस दृष्टि से मैं आप लोगों के सामने उनको मैं निवेदन करूँगा। अब मैं जो बता रहा हूँ, बाकी के सब दिनों के जो कहानी होगी उसकी चाबी, वो चाबी यह है कि आखिर गांधी की पूरी कहानी जो है वो उनके सत्य के प्रयोग की कहानी है। उन्होंने सत्य को समझने का प्रयत्न किया, उसको खोजने का प्रयत्न किया और जैसे जैसे बढ़ते गए सत्य के अर्थ का विकास होता गया, उसका प्रयोग करने का भी प्रयत्न किया गया, कठिनाई का भी अनुभव किया। लेकिन उन प्रयोगों में से वो जहाँ तक पहुँचे, उस सारे प्रयोग को अगर ले तो उन्होंने अपने तो आत्मकथा का शीर्षक ही दे दिया, सत्य के प्रयोग यानी आत्मकथा। आत्मकथा गौण टाइटल है, मुख्य टाइटल सत्य के प्रयोग ही है। तो वो सत्य के प्रयोग जिसमें उनका सत्य का चिंतन सर्वस्व उसमें लगा हुआ था, जो उनका ध्रुव तारा था, उसी ध्रुव तारा को सामने रखकर सत्य का उनका चिंतन चलता था, सत्य की उनकी साधना चलती थी, वही उनकी उपासना भी थी। और वो जिसके लिए अपना जीवन देने के लिए भी तैयार थे, मेरे जैसे अनेकों का भले ही क्षय हो सत्य का सदा जय हो, ये उन्होंने आत्मकथा की प्रस्तावना में ही। और इसलिए सत्य की उनकी जो खोज थी वो एक प्रकार से त्रिवेणी संगम की तीर्थ यात्रा ही थी, जहाँ भागीरथी गंगा और कालिंदी यमुना और दुप्त सरस्वती, इन तीनों का संगम होता है, वो वहाँ उनकी खोज था। तो गांधी का जो हम पूरा जीवन देखेंगे वो उनके इस सत्य के प्रयोग के सिलसिले में, उसके प्रयोग के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम पूरे जीवन को देखेंगे। तो वो जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जीवन तो ऐसा है जो हमको भी लागू होता है। हम भी अगर क्या हैं तो भले ही उतने बड़े प्रमाण न लें, लेकिन कुछ न कुछ तो इस प्रयोग को हम भी कर सकते हैं। अगर ये हमको थोड़ा भी इसका प्रेरणा मिले तो मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि से तो मेरी कथा सार्थक है। तो मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ कि गांधी कथा ने और किसी को, कल मुझे पत्रकार परिषद में ये पूछा गया था कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है, मैं उस विषय में थोड़ा मौन रहा, लेकिन शायद उसका प्रभाव किसी पर पड़ता हो चाहे ना पड़ता हो, क्या पड़ता है वो मैंने कुछ किससे बता दिए थे, लेकिन सबसे अधिक तो इस सेवक पर पड़ता है जिसको उसके बारे में सोचने का हर क्षण मन होता है और अपने आप को जांचने की एक प्रकार से चैलेंज। तो वो चैलेंज आपको पहले ये प्रथम गीत में सुनने को मिलेगी, जो कहता है कि सत्य का ही चिंतन है, सत्य का ही साधना है, सत्य की ही उपासना। Thank you.
सत्य की निरंतर स्वयं प्रेरित और आजीवन खोज, माने गांधी की कथा। आरंभ बहुत मामूली रूप में हुआ। सत्य का उन्होंने अर्थ किया सच बोलना। आमतौर पर हम सब लोग वही अर्थ करते हैं, लेकिन वहां से वो रुके नहीं। बोले हो सच, लेकिन विचार कुछ दूसरा हो और फिर सच बोले हो, तो कहते ये तो सच नहीं हुआ। अगर सोचते हैं एक और बोलते हैं दूसरा, बोले तैसा चाले तो कर्म कहते। तो बोलना और चलना जहां एक हुआ, वह गांधी का दूसरा कदम हुआ। सत्य बोलना ही नहीं लेकिन सत्य चलना, लेकिन सत्य बोलना और सत्य चलना आधारित रहता है सत्य सोचने पर। सत्य का चिंतन अगर नहीं होगा तो सत्य का बोलना भी नहीं होगा और सत्य के अनुसार आचरण भी नहीं होगा। तो मन, वचन और कर्म तीनों में सत्य की सरल रेखा जब होती है तब वो सत्य होता है कि मन, वचन और कर्म तीनों में एक राजिता हो। इसमें उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किए और मैं व्यक्तिगत प्रयास को पहले इसलिए ले रहा हूं कि अगर हमको आरंभ करना है तो व्यक्ति से ही आरंभ करेंगे, इसलिए हमको भी उसका उपयोग हो सकता है। मुझे लगता है कि गांधी की सत्य की खोज के पहले तीन सोपान थे, तीन कदम थे, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्म शोधन। अपने आप को देखो, अपने आप की परीक्षा करते रहो और अपने आप का शोधन करते रहो, माने उसे शुद्ध करते रहो। ये आत्म निरीक्षण, परीक्षण और शोधन के तीन सोपान बचपन से लेकर आखिर तक एक एक काम करते हैं हम लोग। जरा सोचें कि दिन भर में बातचीत जब करते हैं तो कितना समय दूसरों से बातचीत में हमारा लगता है और कितना समय हम अपने आप से बातचीत में लगाते हैं। अक्सर हम अपने आप से बातचीत करने से कतराते हैं। दूसरों से बात करने में हम काफी चतुर हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, लेकिन अपने आप से क्या बात करते हैं, पागल हो गया कि बड़बड़ाता हो, ऐसा समझते हैं। लेकिन गांधी हमेशा ये मैंने ठीक किया, ये मैंने गलत तो नहीं किया, ये मैंने इस कसौटी पर अपने आप को रोज रोज देखते रहना, ये उनकी नीति की जो सीढ़ियां थी उसकी पहले की तीन सीढ़ियां थी। जिसके कारण मन में भी अगर गलती हुई तो उस गलती को भी वो लोगों के सामने प्रकट करता। उसके बाद मन की गलती को दूसरे किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन उनको जरूरत पड़ती थी इसलिए वो करते थे। उसके बाद का जो कदम है उसको भी साथ साथ समझ लें, और वो सत्य की दृष्टि से जरा मराठी भाषा में कहूं तो चिकित्सा करके समझने लायक शब्द है।
वो अपनी गलती को छोटी हो तो भी बड़ी करके देखते थे और सामने वाले आदमी की गलती हो तो उस गलती के पीछे भी कुछ कारण होगा ऐसा समझकर उसको कुछ थोड़ा सा छोटा करके देखते। मैं सोचता रहा कई बार कि यह आदमी सत्य की प्रतिज्ञा जिस आदमी ने ली है, अगर सत्य को जो छोटा है उसे बड़ा करके वो कहेगा तो छोटे को बड़ा कहना ये भी सत्य से तो दूर जाना हुआ, और बड़े को छोटा करना ये भी सत्य से दूर जाना हुआ। तो ये सत्य का उपासक अपनी गलती को छोटा क्या बड़ा क्यों करता है और बड़े को छोटा क्यों करता है, ये मैं सोचता रहा। और गांधी के ही लेखों में उसका उत्तर मिला। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है उसको आम तौर पर अपनी गलती छोटी दिखती है और दूसरे की गलती जरा बड़ी दिखती है। जो बड़ी दिखती है उसको जरा छोटा करोगे तो वो सच्चे सत्य के नजदीक आ जाएगी, और जो छोटी दिखती है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो वो भी सत्य के निकट आएगी। यानी सत्य के निकट आने का ही उनका वो तरीका था। वो तो यहां तक कहते थे कि छप्पर पर चढ़ के घर के दुनिया समक्ष धर, सारे दुनिया के सामने ये एक और कदम। देखो तो सही, सोचो तो सही, लेकिन उठने से गांधी को समाधान नहीं। गांधी को कब समाधान होगा? दूसरों से कहेंगे अरे भाई मेरी गलती हो गई, आज मुझे बुरा स्वप्न आया। इसके विषय में भी उन्होंने लिखा है, मन में नींद में स्वप्न बुरा आया है तो उसको भी प्रकट करके लोगों के सामने कहा है। क्यों ये क्या कुछ एक हुक थी इसलिए वो कहते थे? मुझे लगता है कि वो जानते थे कि प्रकाश में पुण्य प्रकट होता है और पाप हमेशा अंधेरा खोजता है, तो इसलिए वो सत्य को प्रकाशित करना चाहते थे तो गलती को भी प्रकाशित करने से वो पाप का पुण्य में परिणत होना आसान होगा, और अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो अंधेरे में पाप ही बढ़ता है पुण्य नहीं बढ़ता। इसको आप देखिएगा जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लागू करके देखिएगा। इसलिए वो प्रकट करते और अपने लिए नहीं लेकिन अपने निकट के लोगों के लिए भी अपनी गलती को प्रकट। साबरमती आश्रम में एक बार कोई मेहमान आए देखने के लिए, आश्रम घूमते रहे और घूमते घूमते अंत में गांधी जी का जो मकान है हृदय कुंज, उसका नाम काका साहब का लेकर दिया था, तो उस हृदय कुंज में आए तब गांधी जी कहीं बाहर गए हुए थे नवजीवन के काम के लिए अहमदाबाद शहर में। कस्तूरबा थी, कस्तूरबा से भी मिले और फिर उनको जल्दी से जाना था, तो कहते कि मैं आश्रम आया मुझे बड़ी खुशी हुई है लेकिन क्या करूं जेब में मेरे पास कोई अच्छी रकम नहीं, लेकिन जेब में जो कुछ भी चिल्लर है वो चिल्लर मैं आपको देकर जाता हूं। जेब में से निकालकर कुछ 4-6 रुपए का जो चिल्लर था उतना निकालकर कस्तूरबा को दे दिया कि ये आश्रम के काम में आप इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपको देकर जाता। कस्तूरबा ने सोचा कि दिन भर में मेरे पास तो मैं गुजराती में उनको मोटीबा कहता था, मोशीबा, मैंने मेरे मां की मां या मेरे पिता की मां को गुजराती में मोटीबा कहा, तो मैं उनको लेकिन मोटीबा कहने वाले आश्रम में 20 बच्चे थे, तो वो सोचते थे जो कस्तूरबा ने सोचा कि मेरे 200 बच्चे नाती पोती वो आते रहते और वो नाती पोती अगर आजीबाई के यहां अगर आते हैं तो कुछ न कुछ लोभी नजर से जरूर देखते होंगे। मैं तो अपने बारे में कह ही सकता हूं क्या दिखता था, तो उनके लिए मैं थोड़े केले खरीद कर रखूं और आएंगे तो उनको एक एक केला दे दूंगी।
ऐसा सोच कर रखा और वह समाचार थोड़े समय के बाद रानी जब वापस आए तो उनके पास पहुंचे कि कोई मेहमान आया था और कुछ पैसे देकर गया। तो गांधी जी पूछते हैं कि कोई मेहमान आए थे कहां कौन थे तो मालूम नहीं कहीं से आए थे अपना नाम वाम तो दिया तो उन्होंने कुछ रकम दी है तो कहा जेब में उनके पास जो कुछ चिल्लर था उतना निकाल कर दे दी। तो क्या किया तुमने? नहीं मैंने अभी रखे हैं लेकिन मैं उसके केले खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चों को केला खिलाने के लिए मैं दे रहा हूं। नहीं उन्होंने क्या, उन्होंने तो अपने जेब में से निकाल कर दिया और वो चले गए। उन्होंने कुछ कहा था देते सब? हाँ उन्होंने कहा था कि मैं आश्रम के लिए ये पैसे दे रहा हूं। तो तुमने आश्रम के मैनेजर से पूछा? अब वो आश्रम का मैनेजर नारायणदास गांधी वो कस्तूरबा का भतीजा था लेकिन वो भतीजा है इसलिए उसे नहीं पूछना वगैरह से नहीं सोचा था। उसने कहा कि भाई 400 रुपए का प्रश्न है, केले लेकर मैं बच्चों को देने लगा उसने उनसे क्या पूछना। गांधी कहते हैं उन्होंने अगर कहा होता कि केले के लिए देना है तो ठीक, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि आश्रम के काम के लिए देना है तो नारायणदास शायद उस पैसे का दूसरा उपयोग भी करने का सोच सकता था। सारी चर्चा होते हुए आखिर में वो पैसे नारायणदास गांधी के पास पहुंचे क्योंकि केले खरीदे नहीं गए थे। कहानी वहां से रुकी नहीं। दूसरे सप्ताह गांधी जो अखबार निकालते थे गुजराती में नवजीवन, उस नवजीवन में एक छोटे से नोट निकली गांधी जी के द्वारा स्वयं लिखी हुई जिसका शीर्षक था घर में चोर। अब ये इन्होंने मैनेजर से पूछे बिना पैसे अपने लिए नहीं बच्चों को देने के लिए रखे, वो भी गांधी को लगा कि नहीं समाज की संपत्ति को समाज की अनुमति के बिना इस प्रकार से इस्तेमाल करना चोरी है और अगर कस्तूरबा इस प्रकार करती है तो वो मेरी ही चोरी है, घर में चोर। पिताजी कई बार भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक लेकिन कहते थे कि बापू के साथ रहना माने जिंदा ज्वालामुखी के मुंह पर रहने लायक है, किस समय वो स्फोट हो जाएगा मालूम नहीं, यानी केले नहीं दिए उसमें से स्फोट। तो ऐसे स्फोट तो पिताजी ने भी कई बार अनुभव किए थे तो कस्तूरबा ने तो उससे भी ज्यादा अनुभव किए होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा समय उनके साथ रही। लेकिन वो कदम उनका जो था वो ये था कि दुनिया के सामने प्रकट रूप से रख दो। फिर आते थे दो कदम, परिताप और अनुताप, यानी खुद हमने गलती की उसका कष्ट अनुभव करना और फिर उसका प्रायश्चित करना। एकदम छोटे थे, होंगे 8-9 साल के या 10 साल के बीच, 10 साल के नहीं होंगे, 8-9 साल के होंगे। आजकल की भाषा में कहूं तो उनका बर्थडे मनाया गया। पुत्री भाई ने कहा कि तेरा जन्मदिन है, अपने मित्रों को बुला ले और उनको कुछ खाना पीना होगा। तो उन्होंने सोच सोच कर अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला दिया, नाश्ता वाश्ता हुआ। थोड़े दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद सामने से एक लड़का आते हुए देखा जो उनका बहुत घनिष्ठ मित्र था, लेकिन उनको देखते ही तुरंत, उस लड़के को देखते ही गांधी को तुरंत ख्याल आया
कि मेरे जन्मदिन पर इसको बुलाना मैं भूल गया था, ये मेरा इतना दोस्त और मैं उसे बुलाना भूल गया, बहुत कष्ट अनुभव किया। और कष्ट अनुभव करने से रुकते नहीं, इसका तो आप कुछ प्रायश्चित करना होगा। तो 9 साल का मोहन, जिसको पुतली बाई तो मोनिया ही कहती थी, तो मोनिया क्या तय करता है, उनको आम बहुत प्रिय थे। पोरबंदर का रहने वाला केसर आम खाता होगा, बहुत ही पसंद थे। 9 साल का मोहन तय करता है इस साल पूरी सीजन आम नहीं खाऊंगा, और वो पूरी सीजन उसने आम छोड़ दिया। यानी बोले कैसा चाहे तो वो छोड़ ही दिया। तो इस प्रकार से अनुताप से फिर वो आगे चलकर उस पश्चाताप के झरन में अपने आप को, परिणाम ये होता था कि फिर वो संकल्प करने की शक्ति आती थी कि ऐसी गलती मैं अब दोबारा नहीं करती। मुझे अनुभव है, आप में से भी बहुतों को अनुभव होगा कि कई बार हम लोग सोचते हैं यार ये गलती हुई, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, हम गलती नहीं करेंगे। मुझे तो ये भी अनुभव है, आशा रखता हूं कि आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा, लेकिन मुझे तो ये भी अनुभव है कि मैं ये कर लेता हूं निश्चय कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, और वो संकल्प तभी तक टकता है जब तक मैं दोबारा वो गलती नहीं। लेकिन गांधी की विशेषता हो तो वो ये कि हमारे आपके जैसे ही उसने कई गलतियां की, अनेक गलतियां की। गांधी को भगवान बनाने में मुझे कोई रुचि नहीं है, बल्कि भगवान बनाने में गलती यह होगी कि अरे वो तो अवतारी पुरुष थे, वो तो महात्मा थे, वो चमत्कार कर सकते थे, वो कर सकते, हम लोग तो छोटे हैं, हमसे क्या हो सकता करके उनको हम दराज पर चढ़ा देते। तो वो करना उचित नहीं। गांधी एकदम हमारे आपके जैसा मामूली आदमी, सत्य को पकड़कर रखकर छोटी छोटी चीज में भी आत्मनिरीक्षण परीक्षण शोधन करते हुए, अपनी गलती को प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हुए इस स्थिति पर पहुंचा। एक बार की हुई गलती, उस आदमी ने गलती तो की है, लेकिन ये बताइए कि दोबारा वो गलती फिर कभी की है? दोबारा गलती होती नहीं थी, वो इस निर्णय के कारण नहीं होती थी, और वो गांधी की विशेषता थी। एक बार की गलती दोबारा वो होती नहीं। ये संकल्प से आरंभ होता था और उस आरंभ का परिणाम, प्रत्यक्ष परिणाम वहां तक होता था। इस प्रक्रिया के बारे में एक उन्होंने एक जबरदस्त दावा किया था, उसका भी मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं। जबरदस्त, कभी कभी गांधी अपने बारे में कुछ वाक्य ऐसे कहते थे कि उसको पढ़कर ऐसा लगता था कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात अपने बारे में कह दी। वो ऐसा एक वाक्य उन्होंने ये कहा, सत्य मेरे लिए सहज था, ऐसा एक वाक्य। मैं उसको पढ़ते हुए सोचता था बहुत बड़ी बात, यानी उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेरे लिए सहज। फिर उन्होंने कहा अहिंसा आदि के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ी, अपरिग्रह स्वाद अहिंसा इत्यादि के लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ा, लेकिन सत्य मेरे लिए सहज, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। तो लगता है कि अरे ये तो कम से कम एक दैवी गुण था, वो लेकर आए थे। थोड़ा सा विचार कर लिए तो ये जो दैवी गुण जिसको हमने अभी बताया, वो दैवी गुण हर बालक के लिए सहज है। हर बालक, हर छोटा बच्चा,
बोलता जो है वो सत्य ही बोलता है। एक छोटी लड़की को मैं जानता था, बोलना सीखी थी, नहीं नहीं, उसके हाथ में कैंची आ गई। अब बच्ची के हाथ में कैंची आ जाए और प्रयोग न करे तो बच्ची कैसे कहेगी? तो घर का नया पर्दा देखकर उसने सोचा कि इसी पर अजमाया जाए, और उस पर्दे पर कई बार उसने कैंची चलाई, और फिर उसकी मां आकर देखती थी, अरे ये पर्दा इसमें कैसे, एक ये कैसे काटा, किसने काटा? तो बच्चे कहते मैंने काटा। उसके लिए तो वही है, मैंने काटा, एकदम सहज। अब जरा सोचिए कि अगर उसकी मां ये कहने के बाद उसको डांट देती है, हैं क्यों काटा, कितना महंगा पर्दा था, तुमने इसको काट दिया, पापा आएंगे तो तुमको पीटेंगे, तो जो भय लगेगा तो दूसरी बार वो बच्चा वो सहज रूप से मैंने काटा है नहीं कहेगा। फिर कोई गलती कहेगा तो भी सोचेगी पापा आएंगे तो डांटेंगे, मां आएंगे तो मारेगी। सत्य बाल सहज होता है, भय का आवरण जब उसके ऊपर चढ़ता है तो वो सत्य से दूसरे रास्ते पर जाता है। हम सब मनुष्य को आकर सोचिए कि आपके जीवन में सबसे पहली बार गलती हुई होगी, अगर वो याद रहो तो उसको सोचिए, तो तब तो चुभा होगा, कुछ न कुछ अंदर चुभा हो, अरे ये गलती कर रहा हूं यार, मन में थोड़ा सा, लेकिन फिर वो दोबारा तिबारा होने से आदमी फिर भूल जाता, और तो होता ही है, ये नहीं होगा था प्रैक्टिकल फिर हो जाता वो व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब क्या, उसने सत्य पर भय का आवरण चलाया। कुछ को सत्य पर लोभ का आवरण चलता है, कुछ को सत्य पर अहंकार का आवरण चढ़ता है, कुछ को मनोरथों का आवरण चढ़ता है, लेकिन सत्य पर ये आवरण चढ़ते हैं तभी जो सहज सत्य है वो कलुषित होकर असत्य के रूप में प्रकट। तो इतना सहज था इसलिए उन्होंने कहा वो मेरे लिए सहज था, ऐसा सहज कि जिसके लिए वो टूटता हो तो उपवास करने के लिए तैयार होते थे, प्रायश्चित करने के लिए तैयार होते थे, शुरू शुरू में तो एक आध बार आत्महत्या करने को भी तैयार हो गए थे, ये गलत हुआ। इतना सहज था लेकिन उतने ही सावध भी थे, जिसके कारण वो बार बार गलती नहीं हुई। उस सहज सत्य की जो सीढ़ियां थी वो ऐसी सीढ़ियां थी जो हम अगर चाहें तो उन सीढ़ियों पर हम भी चढ़ सकते हैं। मुझे गांधी में रुचि हो तो वो इसलिए है, और मैं देखता हूं कि तरुणों को गांधी में रुचि हो, और तरुण लोग गांधी कथा में पहले आते थे उससे ज्यादा आने लगे हैं, तो रुचि है तो क्यों है? उसका मुख्य कारण है कि तरुण लोग अपने लिए रोल मॉडल खोजते हैं, वो कोई ऐसा आदर्श देखना चाहते हैं जो उनके लिए अनुसरणीय हो। और वो क्या आदर्श है, तुकाराम ने जो बताया था, बोले जैसा चाले। वो नेताओं को देखते हैं और देखते हैं कि बोलते हैं एक, करते हैं दूसरा। पिता को देखते हैं, बोलते हैं एक, करते हैं दूसरा। माता को देखते हैं, बोलती है एक, करती है दूसरा। वो फिर उनके मॉडल नहीं होते हैं, इसलिए उनके प्रति बगावत करने को भी तैयार हो जाते, और फिर वो बगावत में उनको मालूम नहीं है रास्ते, इसलिए कभी कभी वही रास्ते लेते हैं जिनके खिलाफ उनकी वो बगावत होती है, रास्ता भी वही हो जाता। लेकिन तरुणों को रोल मॉडल अगर हो, दुनिया भर के तरुणों के मन में रोल मॉडल हो, तो उसकी एकमात्र शर्त यह है कि नेता ऐसा हो जो जैसा बोलता है वैसा करे। शायद उस विषय में गांधी से अच्छा और कोई दूसरा रोल मॉडल नहीं।
ये उनकी सीढ़ियां थी, उस सीढ़ियों को अब हम आपके सामने संगीत में सुनेंगे। यह सत्य का पथिक गए मन में भी भूल करता
मैं शायद मैं कुछ ऐसी बातें पहले दिन कह देना चाहता हूँ जो आने वाले चारों दिन वो बातें कुछ न कुछ रोज रोज खुलती जाए। तो आरंभ में मैं गांधी जी की कुछ लाक्षणिकताएं, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके विषय में कहना चाहूंगा। एक अजीब सी विचित्र सी लाक्षणिकता गांधी की ये थी कि परस्पर विरोधी माने जाने वाले गुण उनके व्यक्तित्व में साथ साथ दिखते थे, उसका समन्वय मालूम होता था। जैसे एक तो बहुत विवाद भी चलता है कि गांधी संत थे या राजनीतिज्ञ थे, माने वो दोनों एक दूसरे के विरोधी गुण हो, लेकिन दोनों गुणों का एक समन्वय उनके चरित्र में हमको दिखता है, एकदम बचपन से लेकर एकदम बुढ़ापे तक। एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक दिन पुतली बाई ने मोनिया से कहा कि तू वहां खेलने जाता है तो बच्चे झगड़ा वगैरह करते हैं तो वो तुमको मारते हैं, कभी गाली देते हैं और तुमको पीटते भी हैं, तो पीटते थे तुम क्यों नहीं सामने पाते। ये पुतली बाई ने मोनिया से कहा, तो गांधी जी ने जवाब दिया, ये गांधी जी मैं कह रहा हूं, वो मोनिया जिसकी लड़ाई तो होती होगी, लेकिन जवाब क्या देता है, उनके जैसा मैं क्यों बनूं, वो मुझे मारते हैं लेकिन उनके जैसा मैं क्यों बनूं। गांधी जी ने अहिंसा शब्द का उच्चारण किया उसके 20 साल पहले की बात है, अहिंसा की बात वगैरह कुछ कही नहीं की, लेकिन उनके जैसा मैं क्यों बनूं, ये जो प्रकृति थी वो उनकी संत प्रकृति। और 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया, ये उनकी राजनीति, उस उम्र में भी आंदोलन छोड़ा, बड़े से बड़ा आंदोलन छेड़ने लाए, यानी ऐसी उनकी प्रकृति में ऐसी दो विलक्षण एक दूसरे से भिन्न भिन्न ऐसे गुणों का समन्वय आप पाएंगे। एक तरफ से मृदुता तो दूसरी तरफ से कठोरता, इसका भी समन्वय कई बार मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में भारत से गए हुए गिरबिटिया बालसुंदरम, उसको चोट लगी है और वो गांधी के पास आता है, तो उसके लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाना और साथ साथ डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी लाना कि उनको इस प्रकार की चोट लगी है क्योंकि उसका आगे उपयोग होगा, उसकी पूरी सेवा करना, उसने उसको लगा है इनका कोई संबंध नहीं, इनको कोई पहचानता भी नहीं, लेकिन ये नया आया हुआ आदमी है, शायद मुझे मदद करे करके वो आया है, मुंह में से खून निकल रहा है और उसकी सेवा करने वाला, वो मृतता। और कई उपवासों में मैं साक्षी रहा हूं कि काफी स्थिति तो खराब है शरीर की, क्योंकि कोई उपवास उनको शरीर को तकलीफ नहीं देता था, ऐसा कोई चमत्कार नहीं, हर उपवास में शरीर को तकलीफ होती ही थी और कभी कभी तो एकदम छटपटाहट हो उतना उनको कष्ट होता था, इसका मैं साक्षी हूं। लेकिन उस समय जब लोग कहते थे कि हम आपको कुछ ग्लूकोज दे दें, या अब इतना उन्होंने मान लिया है ये मान लो,
और उस समय जो उनकी एकदम कठोर निश्चय कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, पीड़ा भले ही हो लेकिन असंभव हो, कहो असंभव मैं नहीं मानूंगा ऐसा भी नहीं, बस इतना ही कहकर बना कर देते थे। लेकिन ऐसे दो बिल्कुल अलग अलग छोर के गुण ये दिखते थे, उनमें कड़ी थी। उस कड़ी की बात तो हम शुरू में सत्य को खोजने की उनकी तीव्र इच्छा, उसमें से ये दोनों गुण प्रकट होते थे। इस प्रकार का एक उनका उदाहरण और भी हो सकता है, और वो बौद्धिक लोगों के लिए विचारणीय विषय है, उसे मैं यहां कह देना चाहता हूं। ये विवाद चलता है कि विचारों में रीजन महत्व का है या फेथ महत्व का है, तर्क महत्वपूर्ण है या श्रद्धा महत्वपूर्ण है, और उसमें कई बार जो अपने आप को बौद्धिक मानते हैं, बुद्धिवादी मानते हैं, वो लोग श्रद्धा मात्र को अंधश्रद्धा कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि ये श्रद्धा की बातें हम नहीं समझते हैं, और नहीं हम समझते ही नहीं उसको, हम गलत समझते नहीं है, ये भी नहीं कहते, गलत समझते हैं। गांधी के व्यक्तित्व में तर्क और श्रद्धा दोनों का सम्मिश्रण हमको मिलता था। तर्क से वो जितना आगे बढ़ सकते थे बढ़ते थे, और एक सीमा पर जाने के बाद तर्क रुक जाता था तो तब वो श्रद्धा से आगे बढ़ते थे। उनकी हालत उसमें हमको जो दिखती थी उसके लिए मैं उदाहरण एक देता हूं। ये पॉल जंप करने वाले खिलाड़ी का उदाहरण, पॉल जंप करने वाला खिलाड़ी बांस लेकर दौड़ता है, उस बांस को जमीन में गाड़ता है और उसके आधार पर ऊंची उड़ान करता है, सामने पट्टी है उसे लांग कर जाना है, ऊंचे कूदने के बाद अगर वो बांस को पकड़ कर रखेगा तो वो पट्टी को बांस छुएगा और फाउल हो जाएगा, चाहे जितना ऊंचा कूदा हो उसका वो गिरा नहीं जाएगा। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो बांस को पीछे फेंक कर वो उस पट्टी को लांग कर दूसरी तरफ कूदता है। तर्क की सीमा तक तर्क से ही आगे बढ़ना और वहां पहुंचने के बाद उस तर्क को पीछे रखकर श्रद्धा के बल पर और आगे बढ़ना, ये गांधी का। उनके राम नाम की बात भी जो आती थी वो उस समय में, वो राम नाम कोई ऐसा विचार नहीं था कि जो उन्होंने विचार पूर्वक कोई गलत समझ लाने के लिए किया हो, विचार पूर्वक तर्क पूर्वक गए हो, लेकिन अंतिम कदम जो है वो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक लिया है। वो श्रद्धा तो यहां तक कि नोआखली में एक बार तो उन्होंने पत्र लिखा था गुजरात के किसी भाई को कि आजकल मेरी स्थिति यह है कि चारों तरफ आग है, और फिर नीचे भी आग है और ऊपर भी आग है, और उस आग के बीच में मैं चल रहा हूं, ऐसी मेरी स्थिति है, लेकिन मन मेरा बिल्कुल शांत है और मन मेरा बहुत शीतल है, शीतलता अनुभव करता है। क्या शीतलता? शीतलता मुझे राम नाम पर भरोसा है, इसलिए मैंने उसको सुपुर्द कर दिया है, वो मुझे जो करवा रहा है मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई इस आग का स्पर्श भी नहीं। यहां तक वो
परस्पर विरोधी गुण माने जाएंगे उसका उसमें समन्वय हमें मिलता है। और एक चीज उनकी लाक्षणिकता में जो पाई जाएगी, जीवन के प्रति वो बहुत पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से देखते हैं। जीवन को कोई वो तिरस्कार से देख रहा हूं या जीवन नरक है इत्यादि इत्यादि कभी नहीं। जीवन सत्य की अभिव्यक्ति उनको मालूम होती थी और सत्य तो उनके लिए उपास्य चीज थी और इसलिए जीवन को भी वो उपास्य मानकर उसके प्रति बहुत विधायक रूप से वो देखते। एक बार, और ये मैं किस्सा बहुत बात का करता हूं, आज जब मैं उनके गुणों को का विश्लेषण कर रहा हूं तब मैं साल का क्रम छोड़ रहा हूं। नौकरी का उदाहरण भी 46 का दिया और अब मैं दे रहा हूं वो 46 का अंत या 47 का आरंभ का है, यानी उसके भी बाद वाला किस्सा। तबीयत तो उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं रहती थी। एक तो बार प्रार्थना में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पहले कहा करता था कि 125 साल जीने की मुझे इच्छा है, लेकिन अब मुझे 125 साल जीने की इच्छा नहीं रही है, ऐसा भी प्रार्थना सभा में भी उन्होंने कहा था। तो एक पत्रकार ने, एक संवाददाता ने गांधी जी को दिल्ली में पूछा कि क्या अब मैं ये मान सकता हूं कि आप निराशावादी हो गए, कि आप अब कहते हैं कि 125 साल जीने की इच्छा नहीं रही है। तो तुरंत गांधी एकदम कड़े होकर बोले, निराशावादी मैं हरगिज नहीं, मैं कभी निराशावादी हो नहीं सकता। वो भी देखते रह गए, मैं एकदम गांधी उत्तेजित होकर, मैं निराशावादी नहीं हूं। अब उन्होंने अपना लॉजिक बताया, तर्क बताया, जिसमें तर्क क्या है वही श्रद्धा उन्होंने बताया। मैं निराशावादी नहीं हूं क्योंकि मैं आस्तिक हूं। जो आस्तिक है वो निराश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि एक कल्याणकारी शक्ति जगत को चाहे जितने नीचे ऊपर चढ़ाते हुए भी अंत में तो कल्याण की दिशा में ही ले जाती है। इस श्रद्धा से वो आदमी चलता। सत्य की उपासना ने गांधी के जीवन की दो मूलभूत श्रद्धाएं दी। सत्य की उपासना शब्द के मूल में जाकर भी उन्होंने की थी, वो सत शब्द में से सत्य आया है और सत माने अस्तित्व, और वो अस्तित्व जो विश्वभर में है वो अस्तित्व मनुष्य के अंदर भी है, अंदर बाहर जो अस्तित्व फैला हुआ है उसी को उन्होंने कहा कि ईश्वर का सबसे अच्छा नाम मुझे सत्य लगता है, वो अस्तित्व। और उस अस्तित्व को वो मंगलमय मानते थे, इसलिए कभी भी चाहे जितने उतार चढ़ाव हो लेकिन अंत में तो कल्याण में ही जाए, ये श्रद्धा ही। लेकिन उस श्रद्धा को लेकर चलते हुए एक श्रद्धा जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और दूसरी श्रद्धा जो उनके मनुष्य मात्र के साथ के संबंध में काम आती थी वो ये थी कि अगर सत ईश्वर है और ईश्वर व्याप्त है और ईश्वर हरेक आदमी में है, तो हर आदमी में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर है। अगर हरेक में कुछ न कुछ खुदाई है तो हर आदमी में कुछ न कुछ भलाई जरूर है। ये उनकी दूसरी मूलभूत श्रद्धा। इसीलिए तो जब उसे एक ईसाई महिला ने प्रश्न पूछा
और उनकी प्रशंसा करते हुए ही प्रश्न क्या पूछा, उनका एक प्रशंसा का वाक्य ही कहा कि आप तो ईसा मसीह के सब उपदेशों को अपने जीवन में ला रहे हैं। तो गांधी ने जरा विनोद अनुभव करते हुए कहा, अरे क्या कह रही हो तुम, कौन ईसा मसीह के कौन से उपदेश? तो ईसा मसीह ने कहा है लव वर और नजर, एक दूसरे से प्यार करो, लव योर नेबर्स, आप अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव योर एनिमीज, आप ये तीनों उपदेशों को मानते हैं। गांधी जी ने कहा नहीं गलत बात, तुमने बात गलत कही। वो आश्चर्यचकित होगी कि मैंने ये, आपने तो प्रेम का उपदेश अहिंसा का उपदेश सब जगह दिया और मैंने ये, मैंने क्या गलत? तो उन्होंने कहा कि दो बार ठीक है कि मैं कहता हूं कि पड़ोसी से प्यार करो जैसा अपने से करते हो, एक दूसरे से प्यार करो, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन जो तुमने जो तीसरी बात कही लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से प्यार करो, वो बात मुझे लागू नहीं। आई नो नो एनिमीज, मेरे कोई दुश्मन नहीं जानता नहीं। तो क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि उनको लगता था हर व्यक्ति में कुछ न कुछ भलाई अवश्य है, ये उनकी मूल श्रद्धा थी, कुछ न कुछ सत तत्व है, उसमें से उनका वो दूसरा लक्षण। और एक उनकी लाक्षणिकता, सत्य को वो समग्र रूप में देखते थे, टुकड़े टुकड़े करके बांटना उन्हें पसंद नहीं था, न जीवन को टुकड़े टुकड़े रूप में देखना चाहते थे, न सत्य को टुकड़े टुकड़े के रूप में देखते थे। वो मानते थे कि सत्य को समग्र रूप में देखना चाहिए। उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा, यानी वो जो व्यक्ति का के लिए भी आवश्यक था, लेकिन वो मानते थे कि जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है वो समाज के लिए भी आवश्यक है। वो भेद नहीं किया जा सकता कि घर में तो मैं ईमानदार हूं लेकिन बाजार में मैं बेईमानी कर सकता हूं, ये टुकड़े करने के लिए वो तैयार नहीं थे। मैं कुटुंब के साथ तो पूरी सत्यनिष्ठा से बर्ताव करता हूं लेकिन वकील हूं तो क्लाइंट के साथ सत्यनिष्ठा से नहीं बर्ताव करूंगा, उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा घर में वैसा ही समाज में, जैसा व्यक्ति वैसा ही समाज के साथ का संबंध, ये भेद नहीं करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सत्य को समग्र रूप से देखने के आग्रह के कारण ये उनका विचार होता था। दूसरी तरफ से वो कहते थे कि सत्य को खंड खंड कर देखने से क्या होता है कि अर्थशास्त्र के साथ नीति शास्त्र का कोई संबंध नहीं, अर्थशास्त्र तो एक न्यूट्रल साइंस है, ऐसा जो कहते हैं उसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे अर्थशास्त्र के साथ अगर नीति शास्त्र नहीं जुड़ेगा तो वो अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र हो जाएगा, अर्थशास्त्र के साथ नीति को जोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग भेद करके मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो गांधी की विशेषताओं को हम कुछ विशेष रूप से देखते हैं। सामान्य लोग उनको ये देखते हैं कि गांधी ने हमारे देश को स्वराज दिलाने में मदद की, उसमें समझ लेना चाहिए कि गांधी ने ही स्वराज दिला दिया, ये मानना उनके, उन्होंने कभी दावा भी नहीं किया और ये मानना गलत। अनेक कारणों का परिणाम था इस देश को स्वराज मिलना, गांधी की अगर देन थी तो स्वराज प्राप्ति के लिए जो उन्होंने तरीका बताया वो गांधी की अपनी विशेष देन थी। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये थी कि इन्होंने उसको एक समग्रता के रूप में देखा था, लेकिन आम आदमी मानता है कि गांधी ने इस देश को स्वराज दिला दिया। गांधी आमतौर पर लोग कैसे समझते हैं और समझने में भी काफी गांधी की के बारे में समझ है, जैसे एक समझ यह है कि गांधी ने लड़ाई जीती लेकिन किसी को हराए बिना,
ऐसी लड़ाई जीती कि जिसमें हार सामने वाले पक्ष की न हो। अगर वो न होती तो माउंटबेटन पहला देश का गवर्नर जनरल नहीं बनता, अगर वो न हो तो पार्लियामेंट में जब इस देश को स्वतंत्रता देने का, उनकी दृष्टि से देने का उन्होंने जब प्रस्ताव किया तो एक के बाद एक पार्लियामेंट के मेंबर, संसद के सदस्य, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ये नहीं कहते थे कि हाँ कारण तो बहुत थे लेकिन गांधी का जो अहिंसक आंदोलन था उस आंदोलन के कारण ये मुख्यतः हो रहा है, ये बात वो वहां उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए ये जो लोगों की समझ है कि जीते लेकिन हराए बिना, गांधी ने भूखों को खाना दिया लेकिन भिखारी बनाकर नहीं, काम करो काम देंगे तब खाना होगा, यानी ये एक एक चीज की लेकिन विशेष रूप से दी, ये गांधी की एक विशेषता थी, वो उनकी लाक्षणिकता अब के गीत में हम सुनेंगे। गांधी ने साहस जाम पिए तो थे होश तनिक भी गवाए बिना, और सारे बिना रंगों को वस्त्र पहनाए भी थे, भीख के हाथ पसारे बिना, भूखों के उधर बनाए भी थे, स्वार्थी अधीन बनाए बिना, भूखों के उधर बनाए किसी को नीचा गिराए बिना,
बाका जी की कहानी बाका जी शुरू हो। 25 साल की उम्र के हुए तब तक में गांधी जी 3 खंडों में घूमते थे। एशिया में पैदा हुए, 3 साल यूरोप में रहे और 25 साल की उम्र हुए तब तक 2 साल दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन बाद में कुल मिलाकर 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में। ये 3 खंडों में गांधी जी ने 3 प्रकार की साधना की तालीम ली। भारत में उनके चरित्र का कथन, चरित्र का निर्माण उनका और उसका गठन जो हुआ वो भारत में। नागरिकता उन्होंने यूरोप में सीखी, यानी इंग्लैंड में सीखी, भारत में नागरिकता सीखी नहीं थी। और दक्षिण अफ्रीका के 21 साल जिसमें से 1 साल वो बाहर थे, यानी भारत और इंग्लैंड दो बार गए थे, उसको अगर बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका के 20 साल में उनके जीवन की जो असली साधना थी, सामान्य भाषा में कहें तो मोहन में से महात्मा बनने की जो साधना थी, गांधी ने कभी अपने आप को महात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया था, इसलिए मैं कहता हूं आम मामूली भाषा में कहें तो ये वो उनके दक्षिण अफ्रीका में। तो ये चरित्र कथन जो हुआ वो देश में हुआ और उसमें चाबी मैंने जैसे बताई वो सत्यनिष्ठा के कारण चरित्र बनता गया, कष्ट सहन करने की भी उसमें से तैयारी हुई। शिक्षा और वो हिंदी अर्थ में मैं शिक्षा कह रहा हूं, उनका जो शिक्षण हुआ था वो भारत में हुआ, लेकिन वो शिक्षा स्कूल में हुई, हाई स्कूल में हुई, कॉलेज के पहले वर्ष तक हुई, उसका उतना महत्व नहीं था जितना उनका चरित्र गठन का था। वो स्वयं कह चुके हैं कि पढ़ाई में मैं बहुत मामूली था। हां इतना कह सकता हूं कि अपने बर्ताव के बारे में मैं बहुत सावधान था, तो जो जीवन का व्यवहार था उसके विषय में वो बहुत सावधान थे। बहुत प्रसिद्ध किस्सा जो किताब में छपता रहता है, केटल शब्द की स्पेलिंग लिखने में गलत जो, लेकिन पढ़ने में बाकी लोगों ने सही स्पेलिंग लिखी और इन्होंने गलत लिखी, पढ़ने में कोई ज्यादा होशियार साबित नहीं हुए, लेकिन शिक्षक भी झूठ कह सकता है वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तो इशारा कर रहा था कि तू लिख तू ये लिख, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं थे। आचरण के ऊपर उनका आग्रह काफी रहा। आत्मकथा पढ़ने से कभी कभी ये मन में थोड़ा सा ऐसा भाव होता है कि गांधी जी बचपन में बहुत बुद्धू रहे हों, क्योंकि वो खुद ऐसा दिखते हैं कि बहुत पढ़ाई वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन एकदम पूरे बुद्धू नहीं थे। और उसको मैं आपके सामने, यानी उन्होंने जो आत्मकथा में एकदम सीधे वे तो नहीं कहा कि मैं मूर्ख था, लेकिन भाव एक पैदा होता है कि बहुत कच्चे होंगे, मैं उस विचार से सहमत नहीं हूं, इसलिए वो विचार आपके पास रख रहे। जैसे वो बहुत चतुर मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थी नहीं थे, ये बात सही है, लेकिन एकदम बेवकूफ भी नहीं थे, ये बात भी उतनी सही है। उसके मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा बचपन के बारे में, जब हम शुरू कर रहे हैं तब।
वैसे उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ने में एक आध बार मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। अब स्कॉलरशिप मिली हो तो एकदम एकदम बुद्धू को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं नहीं उस सूरत के विद्यार्थियों को ही स्कॉलरशिप मिलती थी, और सूरत के विद्यार्थी बहुत कम थे इसलिए मुझे मिल गई, लेकिन उतने विद्यार्थियों में वो आगे थे इसलिए मिली, इतना तो था कर वो 75% ही मिले, क्योंकि मैं नहीं तो अब डॉक्टरी में नहीं जा सकूंगा या इंजीनियर मुझे होना है, मुझे और शुरुआत चाहिए। ऐसा देखा उन दिनों इतनी उदारता से मार्क नहीं दिए जाते थे, लेकिन फिर भी 39% माने थर्ड क्लास भी लोअर थर्ड क्लास था, ये बात सही। लेकिन फिर भी मैं क्यों कहता हूं कि एकदम बुद्धू नहीं थे, मैट्रिक से पहले प्रीलिमिनरी परीक्षा होती थी हाईस्कूल की तरफ, और प्रीलिमिनरी परीक्षा में रणी फेल हुए थे, और आमतौर पर प्रीलिमिनरी फेल होते तो उसको मैट्रिक की परीक्षा में बैठने ही नहीं देते थे, लेकिन मुझे ऐसा मन में शक है कि दीवान के बेटे थे इसलिए उनको बैठने की इजाजत दी, कहा नहीं है कहीं, लेकिन फेल हुए थे फिर भी वो बैठे। लेकिन वो जो 3 महीने बीच में मिले उस 3 महीने में उन्होंने इतनी मेहनत की कि 39% तो आ गए और हर विषय में पास तो हो गए, पहली टेस्ट में मैट्रिक हुए थे। एकदम बुद्धू जो होते थे वो पहली टेस्ट में मैट्रिक होते ही नहीं, उतना फर्क बचपन की और छोटे बचपन का अगर विचार करें तो शादी 13 साल की उम्र में, उनसे 6 महीने बड़ी कस्तूरबा के साथ हुई, दोनों बच्चे उसी समय उसी मंडप के नीचे उनके 2 भाइयों की और भी शादी हुई थी, 3 भाइयों की शादी एक मंडप में हुई थी, एक उनके सगे भाई करसनदास और दूसरे उनके चचेरे भाई, ऐसे 3 भाइयों की उनका नाम था तुलसीदास, एक साथ शादी। शादी जिस साल हुई उस साल गांधी जी फेल हुए, वो जिस दर्जा में पढ़ते थे कारण साफ है, शायद शादी हुई है फेल हुए, उस साल करसनदास भी फेल हुए। गांधी जी एकदम बुद्धू नहीं थे, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि करसनदास उस साल फेल हुए, उसके बाद वो आगे बिल्कुल पढ़ नहीं सके, गांधी जी दूसरे वर्ष 2 साल का पूरा करके आगे अभ्यास करते रहे, यहां तक कि पढ़ने में वो बैरिस्टर तक भी पहुंचे। तो एकदम बेवकूफ नहीं नहीं कहना, लेकिन कोई बहुत ज्यादा शिक्षा में होशियार थे नहीं, मेरा ख्याल है मानवता के लिए वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरिट लिस्ट पर आने वाले लोग कोई बहुत ज्यादा मानवता के कार्यक्रम करते हुए दिखते नहीं। ये आदमी उनके लिए ऐसी कोई लालच नहीं थी कि मैं अब बहुत शास्त्री बनूंगा या विशेषज्ञ बनूंगा, मामूली आदमी थे, और जितना मामूलीपन था उससे कम नम्रता नहीं थी, इसलिए उनका ऐसा चलता नहीं। लेकिन और दृष्टि से अगर देखें तो उनकी शिक्षा को और थोड़ा जांचना चाहिए। कॉलेज में दाखिल हुए भावनगर के जी रहते थे राजकोट में, भावनगर वहां से थोड़ा दूर है, भावनगर की श्यामलदास कॉलेज में वो दाखिल हुए, और हर तरह से आज के स्टैंडर्ड को देखते हुए वो कॉलेज बहुत अच्छी थी, आज भी वो कॉलेज काफी अच्छी कॉलेज है, लेकिन उस समय ज्यादा अच्छी कॉलेज थी, इसलिए कि जिस वर्षों में या जिस वर्ष, क्योंकि गांधी एक ही साल थे, जिस वर्ष गांधी वहां पढ़ते थे उस समय वहां के अध्यापक काफी अच्छे जाने माने शिक्षक,
एक बार नई नई कॉलेज थी इसलिए विद्यार्थी कम थे और एक एक शिक्षक के लिए कम विद्यार्थी थे, इसके कारण शिक्षक माने प्रोफेसर या अध्यापक लेक्चरर विद्यार्थियों पर ध्यान भी अधिक दे सकते, ये दोनों ऐसा था जिस पर विद्यार्थी को जाए। लेकिन गांधी ने क्या वर्णन उसका किया या क्या, सिर दर्द होता था वहां कॉलेज पढ़ाई में उनको, सिर दर्द माने एकदम इतना ज्यादा दर्द कि नाक में से खून निकलता था, इतना सिर दर्द। एक कारण तो अंग्रेजी माध्यम में शुरू हुआ था, वो भी एक कारण था, विषय कुछ नए थे ये भी कारण था, लेकिन पढ़ाई उनको अच्छी नहीं लगती थी। अपने देश ने अभी तक दुर्भाग्य से गुणाकार बहुत हुआ है, गुणवर्धन शिक्षा में हुआ नहीं है, क्योंकि मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति थी वही इस देश में स्वराज के बाद भी जारी है, और मैकॉले की शिक्षा गुलाम आदमी को गुलाम रखने की शिक्षा थी, वही शिक्षा पद्धति जारी है। उसी शिक्षा पद्धति में गांधी भी गए थे और वो उनको जची नहीं, उनके शरीर को नहीं जची, बड़े भाई सबसे बड़े भाई लक्ष्मीदास उनका नाम था, उनको कह दिया कि मैं अब वापस पढ़ना नहीं चाहता हूं। उतने में ही उनके एक परिवार के हितेच्छु मिल गए जिनको वो लोग तो जोशी महाराज कहते थे, लेकिन वो दवे थे, उनका नाम श्याम जी दवे। तो उन्होंने कहा कि तुम यहां क्या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तीन चार साल के बाद तो तुम बीए बनोगे, 70 रुपए का कुछ वेतन मिलेगा अगर नौकरी मिली तो, उससे अच्छा है कि तुम इंग्लैंड जाओ बैरिस्टर बन के आओ, 3 साल में बैरिस्टर बनोगे और शायद पिता की जगह तुमको, पिता तो 3 किताब गुजराती पढ़े हुए थे लेकिन दीवान थे, 3 राज्यों में काम किया था, सिर्फ 3 किताब पढ़े हुए, और ब्रिटिश एजेंसी का जब राजकोट था तो राजकोट में सारे सौराष्ट्र के 200 से अधिक देशी राज्य थे, देशी राज्यों में काम करने वाले लोगों में से सिलेक्ट होकर जिन लोगों को पसंद किया था उसमें से एक कर्मचंद को पसंद किया था एजेंसी ने, क्योंकि ये आदमी कुशल व्यवहार कुशल आदमी और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है इसलिए पसंद किया हुआ था, 3 किताब पढ़ा हुआ लेकिन व्यवहार कुशल था, उनके पास वो पढ़ते थे, उनके पास ये थे, लेकिन कहा कि तुम पिता की जगह रख सकोगे। किसी ने पूछा कि जरा मोहन से भी पूछो, अब मोहन ने तो पहले ही बड़े भाई से कह दिया था कि मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगा, ये श्यामलदास कॉलेज में नहीं जाऊंगा, जब दूसरा विकल्प दिखा इंग्लैंड जाओगे पढ़ने के लिए, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूं, तुरंत ही स्वीकार कर दिया। मन में तो ये था कि डॉक्टरी सीखूंगा, और क्यों डॉक्टरी सीखूंगा, बचपन में काफी समय पिता की शुश्रूषा करने में ही बिताया था, उनके पैर दबाना, उनकी दवाइयां समय से देना, सिर दर्द हो तो सिर को दबाना, और फिर उनके पास बैठकर कभी राधा महाराज की रामायण सुनना, कभी कोई मुस्लिम फकीर आ गया तो उनकी कहानियां सुनना, कभी कोई जैन लोग आ, कई धर्म के लोगों को करमचंद गांधी बीमारी में अपने पास बुलाते थे, आप अपने मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं, धार्मिक कुछ कहानियां बताओ, और ये कहानियां सुनना गांधी को बहुत अच्छा लगता था, वो कहानियां भी सुनते थे और सेवा भी करते थे, तो सेवा पसंद करते थे, और उनके मन में एक थोड़ा सा दंश था, वो ये था कि उनको कहा गया था कि बंबई ले जाकर अगर ये दीवान साहब को बंबई ले जाए और उनको ऑपरेशन किया जाए तो शायद ये भगवंतर की जो उनको बीमारी है उससे ठीक हो सकते हैं, और करमचंद ने उनका विरोध किया, नहीं मुझे ऑपरेशन ऑपरेशन करवाना नहीं है, और उसी में उनकी मृत्यु हुई। तो उनके मन में था कि पिताजी डॉक्टर के पास नहीं गए, मैं डॉक्टर बनकर
कई लोगों को इस प्रकार से मृत्यु से बचा सकूंगा, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। लेकिन क्यों नहीं बने? किसी ने कहा छी 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 डॉक्टर, वैष्णवाद में कोई डॉक्टर बनता है? उसमें तो मुर्दों को चीरना पड़ता है, उसमें तो मेढक चीरना पड़ता है डॉक्टरी सीखने के लिए। वैष्णवाद में ऐसा होता, तुम्हारे पिताजी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पिताजी को अगर अच्छा नहीं लगता है, लगता वो तो मर चुके थे, निर्णय जब हुआ तब वो पिताजी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को ये अच्छा नहीं लगता अगर तुम डॉक्टरी पसंद करते। उस एक विचार से ही उन्होंने कहा ठीक है तो फिर मैं बैरिस्टर बनूंगा डॉक्टर। लेकिन अंत तक वो विचार उनके मन में था, और हम लोग जो उनके साथ रहे सबके वो डॉक्टर बन चुके हैं। जरा भी कुछ हो तो वो तुरंत अपने ढंग की। और आज ही मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था कि उन्होंने आरोग्य के बारे में कहा, तब तो सब विचित्र लगता था, लेकिन आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो जो गांधी कहता था उसमें बहुत सारी बातें सही थी। यानी एकदम काफी कठिन स्थिति में जब हो तब भी उन्होंने घूमना नहीं छोड़ा था, नियमित रूप से घूमते ही थे। आगा खान महल में कस्तूरबा की एकदम सीरियस बीमारी थी, तब भी मृदुता से कस्तूरबा से मैं घूमने जाऊं तो उनकी अनुमति लेकर भी वो घूमने जाते थे। घूमना, अपने शरीर को उतना संभालना नियमित रूप से करते थे, और दूसरों के शरीर के बारे में भी सलाह देते थे। उनके डॉक्टरी मानस कहूंगा या वृत्ति कहूंगा, तो उस वृत्ति की बातें तो मुझे आगे कहनी है, इसलिए अभी तो मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करता हूं कि वो कभी उनके मन से डॉक्टर निकला नहीं था। उनको था कि नहीं, हमको ये आरोग्य की सेवाएं अवश्य करनी चाहिए, वो कभी निकला नहीं था। लेकिन गए, मां से सम्मति लेने से पहले प्रतिज्ञाएं ली, और वो एक छोटा सा संवाद समझने लायक है। मां चाहती थी, मां को किसी ने कहा होगा बच्चा विदेश जाता है तो न जाने क्या व्यवहार करता है, खाने पीने में संयम रखता नहीं है, और उसके व्यवहार क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन बच्चे का पढ़ाई है तो जाने में ना देना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मां का मुंह देखकर मोहन को समझ में आता था कि सम्मति पूरी नहीं मिली है। इसलिए मोहन ने कहा कि मां, तुमको ऐसा डर लगता है ना कि मैं वहां जाऊंगा तो बिगड़ जाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम जो जो कहोगी वो सब चीजें मानूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं वहां जाकर वो पालन करूंगा। तो भी कस्तूर वो पुतली बाई जो है वो थोड़ा चुपचाप बैठती है। तब जो संवाद है वो बहुत प्रसिद्ध नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। गांधी ने कहा, मां तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? सिर्फ एक ही प्रश्न कहा, और मां ने कहा नहीं बेटा, तेरे पर मुझे विश्वास तो पूरा है। तब फिर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तो ठीक है अगर तू प्रतिज्ञा करता है तो मैं तुझ पर लेकिन और विश्वास को पक्का करने के लिए ये हमारे जो महाराज है बैचेट जी महाराज मूल मोर बनिया जाति के आदमी, लेकिन वो जैन धर्म स्वीकार किया था और वो उनके परिवार के सलाहकार भी थे, तो बैचेट जी महाराज के सामने वो प्रतिज्ञा ले लो। तो तीन प्रतिज्ञाएं ली, शराब नहीं पीऊंगा, मांस भक्षण नहीं करूंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, ऐसी तीन प्रतिज्ञाएं ली। एक समझने लायक बात आप लोगों में जो शिक्षक लोग हैं उनके लिए विशेष, कि जब तक गांधी के पास शिक्षा का उद्देश्य साफ नहीं था तब तक उनको शिक्षा में रुचि नहीं थी, और शिक्षा का उद्देश्य जैसे ही साफ हो गया, इंग्लैंड जाऊंगा बैरिस्टर बनूंगा,
रास्ते में जो कोई भी कठिनाई आई सब कठिनाई को वो लांघते गए। जैसे ही अपने देश में करोड़ों विद्यार्थी निरुद्देश पढ़ते हैं, पूछा जाए तो उनको मालूम नहीं है कि शिक्षा पढ़ तो रहे हैं लेकिन किस उद्देश्य। मेरा एक मित्र काफी अब तो वो बहुत बड़ा विद्वान आदमी के नाते विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन वो पढ़ता था मैट्रिक से लेकर एमए तक, हर साल वो फर्स्ट क्लास में आता था और आखिर एमए के रूप में वो गोल्ड मेडलिस्ट बना, बहुत ब्राइट मेरिट लिस्ट वाला। तो मैंने उससे पूछा कि अब क्या विचार है। अब ये मैट्रिक तक जो हमेशा ब्राइट रहने वाला लड़का, मैट्रिक से लेकर एमए तक ब्राइट रहने वाला, वो कहता है कुछ सोचा नहीं है, पीएचडी कर लूं फिर सोचूंगा। यानी पीएचडी बने और दो ढाई साल का वेटिंग हॉल, तब तक सोचने की जरूरत नहीं, फिर सोचेंगे। ये भयंकर स्थिति है बच्चे के मन में, वो क्या करना चाहता है वो अगर एक उम्र में तय हो और उस उम्र के अनुसार वो आगे बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा प्रगति कर सकता है। अभी तो जो जो खुले हैं देखेंगे और फिर क्या देखते हैं। मुझे तो एक बहुत गुजरात के एक बड़े कॉलेज के विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत विद्या इंजीनियरिंग कॉलेज था, उससे पहले सुना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत आते थे, बहुत हमारे यहाँ बहुत आते हैं। तो मैंने उनके विद्यार्थियों को बधाई दी कि बहुत आपको बधाई है कि आजकल विद्यार्थी नहीं आते हैं और थे अभी तक, लेकिन आप लोग इस बैच के हैं काफी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग को। तो कहा हाँ हम लोग तो आ गए, क्यों मैं इंजीनियर बनने के बाद रेगुलर कमाई तो होती है लेकिन नीचे की कमाई भी बहुत होती है। अब ये जो अभी इंजीनियर हुआ तो नहीं है, कॉलेज में दाखिल होने वाला विद्यार्थी पहले से सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग इसलिए बनता हूं कि ऊपर की कमाई और नीचे की कमाई दोनों कर सकूंगा। अब इसको नीति कहां रही, वो अनीति के लिए सीखता है, अनीति के उद्देश्य सीखता है। तो जहां उद्देश्य और वो समाज के लिए हितकारी ऐसे कोई उद्देश्य जुड़ता है वहां शिक्षा अपने आप तेजस्विना अवधि तमस। तो यहां वो चीज इनको एक उद्देश्य मिला तो कई कठिनाई हुई, पैसे नहीं थे क्या करना। तो बड़े भाई ने अपना फर्नीचर बेचा, पत्नी के गहने कुछ गिरवे रखे कुछ बेचे। किसी ने कहा कि जरा राजा के पास से जाकर कुछ मदद मिल सकती हो, राजा आत्मर्दी में व्यस्त थे। अच्छा तुम जा रहा मेरा फोटो ले जा, तो उसके फोटो ले जाने से तो उसको कुछ भी नहीं, मैं व्यस्त भी कर देता हूं। यानी वो इतना आत्मर्दी में व्यस्त, उसके अलावा राजा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन और कहीं जाएंगे और कहीं जाए। तो विघ्न आते गए लेकिन कोई विघ्न गांधी को रोक नहीं सके। और आखिरी विघ्न जो आया वो जाति के लोगों ने कहा कि वैष्णव जाति के लोग विदेश गमन करते नहीं, समुद्र लांघना वैष्णव लोगों के लिए ठीक नहीं है, वहां जाकर आदमी बिगड़ जाता। वो कहता है मैंने प्रतिज्ञा की है मैं नहीं बिगड़ूंगा, आप जो अपने मन में सोचते हैं उनमें से कोई चीज मैं नहीं करने वाला हूं, मैंने प्रतिज्ञा की। अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या मतलब, तो वो क्या मतलब, वो थोड़े वो कहता कि मेरी प्रतिज्ञा मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, वो चुप रहे चुप रहे। फिर वो जयंति का जो श्रेष्ठ पुरुष था वो कहता है तुमको मालूम है तुम्हारे पिता का मैं मित्र हूं, तो हाँ मालूम है, इसलिए तुम मेरे लिए पुत्रवत हो, आप मेरे लिए पुत्रवत है, मैं कहता हूं कि तुम कर माफ कीजिए, मैं माता के पास प्रतिज्ञा ले चुका हूं और मैं जाऊंगा और मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि कोई चीज मैं बिगाड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन तो फिर कहा ठीक है, तो इस लड़के को जाति से बाहर निकाला जाता है करके उसको जाति, ठीक है आपने जो कहा मंजूर, लेकिन हम एक एक विघ्न को
लांघते गए। ये एक बार दिशा मिलने से शिक्षा में विद्यार्थी क्या होते उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा विस्तार से खोल कर ये घटना, इस घटना की डिटेल्स लोगों को मालूम नहीं होती है इसलिए इसे बताया गया। पहली प्रतिक्रिया गांधी के लिए सबसे सरल थी, लोगों ने तो जहाज में बैठे तभी से कहना शुरू कर दिया था, अनपढ़ मां के सामने प्रतिज्ञा ली है उसका क्या महत्व है, उसको मालूम ही नहीं है कि इंग्लैंड में कितनी ठंड होती है और इसलिए तुमको कह दिया कि शराब मत पियो, और शराब नहीं पियोगे तो उस ठंड में तुम जी ही नहीं सकोगे, ऐसा है कि हाँ वहां बहुत ठंड है, ठीक है वहां जाएंगे तो देखेंगे ठंड कैसी है, अरे तो अभी तो अरबी समुद्र में जहाज जा रहा है लेकिन मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर में जाएगा तभी तुमको मालूम पड़ेगा इतनी ठंड है कि ठंड के मार चलो अरबी समुद्र तक तो ठीक है देखा जाएगा। भूमध्य सागर में जब जहाज पहुंचा ठंड तो लगी, क्या ठंड तो है मरा तो नहीं, इसलिए इसका पालन तो कोई करने में कठिनाई नहीं, मरता वरता नहीं, तो वो सरल लगा वो चल गया। दूसरी दोष जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा के बारे में थोड़े तफसील में जाकर हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले और एक पाठ शायद वो लेने के लिए वो गए नहीं थे लेकिन वो लेकर आए उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताना चाहता हूं, लेकिन उस पाठ से पहले भी जो पूर्व भूमिका हुई वो पहले समझ लें, और वो ऐसी भूमिका है जो गांधी जब गए थे उस घटना को 100 से अधिक साल हो चुके हैं लेकिन आज भी वो परिस्थिति थोड़े बहुत अंशों में जारी है। पहली बार जब भारत का तरुण 17-18 से लेकर 20-22 उम्र का, और गांधी जी जब गए तो 18वां वर्ष पूरा हो रहा था, 18 साल का मोहन जा रहा था, पहली बार जब इंग्लैंड या पश्चिम के देशों में जाता है तब आजकल अंग्रेजी भाषा में जिस शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है इतना कि गुजराती अखबारों में भी वही शब्द आजकल गुजराती भाषा के शब्द के नाते लिखना शुरू कर दिया है ग्लैमर, तो वो ग्लैमर का अनुभव होता है चकाचौंध हो जाना, इतनी लाइट की आंखें जैसे चौंध हो जाती है उसको कहते हैं ग्लैमर। तो इनके जाने से पहले उन्होंने ग्लैमर अहभाव क्या कभी देखा नहीं था, ऐसी ऐसी चीजें देखी। एक किस्सा तो ऐसा विनोदात्मक है, पहले दिन किसी साथी के कहने से एक बड़े होटल में रुके थे तो सामान तो उनका वो कुक के साथ आ रहा था लेकिन थोड़े हैंडबैग वगैरह थी तो होटल में गए तो उनके बैरर में जाकर जो लिफ्ट थी उस लिफ्ट में उस सामान को रखा और उनको कहा कि इसमें आप आ जाइए। गांधी ने वर्णन लिफ्ट कभी देखी नहीं थी तो गांधी ने वर्णन किया कि स्विच दबाते ही कमरा ऊपर उसने लगा, लेकिन उनको तो ये समझ भी नहीं आया कि कमरा कैसे ऐसे ऊपर उठ गया, क्या बात है कमरा ऊपर उसने लग गया, ऊपर उसके देखते हैं तो सारे कमरे में रोशनी रोशनी रोशनी, क्या क्या कैसा देश है, इस देश में तो जिंदगी भर रहने का मन होता है, ऐसा ये जो जिंदगी भर रहने का मन था ना 24 घंटे भी नहीं चला, कब तक चला जब उन्होंने वो फेयर का रेट पढ़ा तब तक चला, देखा कि इसमें एक रात का इतना खर्च होता है, अरे भाई छोड़ो ये अपने बस की बात नहीं है, किसी ने बड़े होटल का नाम दे दिया। दूसरे दिन उनका 12 बजे उसको ड्यूटी बदलती है उसके पहले बदल दिया, लेकिन ग्लैमर था, यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए। तो बाद में प्रतिज्ञा थी कि मांसाहार नहीं करेंगे, इसलिए शाकाहार करते रहे, उसके लिए कष्ट वगैरह भूगे वो सब था,
लेकिन वो सोचते थे कि ये सब तो हम प्रतिज्ञा तो पूरी पालन करेंगे, लेकिन इंग्लैंड में आए हैं तो इंग्लैंड की तरह जीना चाहिए और उसी तरह शान से रहना चाहिए। तो वो उनको था। मैंने आपको कभी कल्पना है, और अगर है तो इसका मतलब कि आपने कुछ उसके विषय में पढ़ा होगा, लेकिन गांधी जी इंग्लैंड में प्रतिदिन 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर टाई बांधने में समय लगाते थे। टाई ठीक एडजस्ट करना और काटना प्रतिदिन 10 मिनट उस पर लगता था। यहां तक क्या उनका जीवन था। उनके मुंह से मैं सुन चुका हूं, और ये यहां अगर जो तरुण आए तो उनके लिए ये गांधी का रोल मॉडल मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि ऐसा सोचने वाला आदमी कहां तक पहुंचता है, ये हम सब सोचे। मैं उनके मुंह से सुन चुका हूं कि मैं इंग्लैंड में जब था तो आमतौर पर 8 बजे उठता था, लेकिन रविवार को 11 बजे, आमतौर पर 8 बजे लेकिन रविवार को 11 बजे। जब 1930-31 में वायसराय के साथ बातचीत होती थी तो 12 बजे तक रात से बातचीत होती थी, और फिर वो याद करते थे कि आज चलना नहीं हुआ है, इसलिए वायसराय लॉज से दिल्ली में दरियागंज में रहते थे वहां तक चल लो, तो फिर वो पैदल जाते थे, और पैदल जाने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य तब तक सो गए होते थे, उनको जगाते थे और कहते थे कि आज दिन भर में क्या चर्चा हुई उसका सारांश कहते थे। वो करते करते 2 बजे 2:30 बजे तक जागना होता था, 4 बजे की प्रार्थना के समय गांधी अवश्य उठते थे। ये वो गांधी जो एक जमाने में 8 बजे रोज और रविवार के दिन 11 बजे उठता था। तो ये स्थिति शुरू के दिनों में थी। तो इंग्लिश पैन बनना है तो क्या करें, पोरबंदर में और वांकानेर में और राजकोट में डांडिया रास खेले होंगे नवरात्रि के दिनों में, गरबा भी देखा होगा, लेकिन यहां के डांस तो कुछ अलग है। तो डांस सीखना चाहिए, दो दो की जोड़ी में डांस सीखना चाहिए, तो वो डांस करे। तो पैसे देकर डांस क्लास में गए, और डांस क्लास के मास्टर ने कहा आपको ताल ज्ञान नहीं है, जरा ताल गान सीखना हो और थोड़ा संगीत सीखिए, वायलिन जरा सीख लीजिए। और फिर गांधी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि एक गिनी आग में डालकर, मतलब कि मैंने दे दी, एक गिनी खर्च की, एक गिनी को आग लगाकर मैंने वायलिन खरीदा। अच्छा करके खर्च हो रहा है वो तो उनको समझ में आ रहा था, और उसका वर्णन भी उसी तरह करते हैं कि मैंने लिया, लेकिन वायलिन लिया और एक के बाद एक, एक समझने लायक चीज है। तो ये जो ग्लैमर जो हर हिंदुस्तानी तरुण को होता ही है, उस ग्लैमर से गांधी 3 महीने में निकल गए एकदम। ये निकलते नहीं है, वो दूसरे विद्यार्थी और गांधी में जो अंतर था तो वो ये अंतर था। क्यों निकले ये, क्योंकि मैंने पहला बताया शुरू में, आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण आत्मशोधन उस समय भी जारी था। और आत्मनिरीक्षण का प्रथम प्रश्न वो है जो भारत की जनता और भारत के दार्शनिक लोग 5000 साल से पूछते रहे हैं, को अहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। यह प्रश्न भारत के तत्वज्ञानियों ने हमेशा पूछा है, गांधी ने भी पूछा, मैं कौन हूं, मैं एक छात्र हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, बैरिस्टर बनने के लिए आया हूं, वापस जाकर कुटुंब के लिए कमाई करूंगा, तो मुझे वायलिन कुछ काम लगेगा नहीं, वायलिन का तो कोई उपयोग नहीं दिखता है, तो छोड़ो, मैं ये जो क्लास ले रहा हूं वो चलेगा, तो नहीं चलेगा, मैंने जो ज्यादा कीमत के कपड़े खरीदे हैं वो जरूरी है, नहीं चलेगा। तो मैं कौन हूं, इस विचार के कारण गांधी ने अपना जीवन वहां बदला।
और इतना बदला कि उन दिनों तो बस से ज्यादा सस्ती ट्राम थी, तो वो ट्राम में भी घूमना बंद कर दे। पूरा लंदन शहर घूमते घूमते पैदल चलते चलते जाते थे, फिर जब घर बदला तो जहां शिक्षा के लिए जाना हो उसके पास का स्थान पसंद किया, थोड़ा कम चलना पड़े तो ज्यादा पढ़ सकेंगे, लेकिन पैदल घूमना एक केवल एक चीज में ज्यादा खर्च वो करते थे। उन्होंने कोई पाठ्य पुस्तक सेकंड हैंड नहीं थी, सारे पाठ्य पुस्तक फर्स्ट हैंड मन नए खरीदे, उसमें खर्च करने में कमी नहीं की, वो खरीदे। बाकी हर चीज में कटौती 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 करते हुए खर्च कम करते गए, खुद पकाना शुरू किया, ये सब किया, लेकिन वो एक नहीं किया। और गाइड लेकर सीखना तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था, लेकिन उसमें वो पढ़े और पढ़ाई बैस्टर की ही नहीं की, दूसरे भी अनेक विषय पढ़े, और वहां उन्होंने जो पढ़ा पाठ किया वो था वो नागरिकता की तालीम, क्योंकि ये 18-19 साल के मोहनदास के साथ का ब्रिटिश जो दूसरे नागरिक थे उनका व्यवहार बराबरी का था। अंग्रेज जब यहां आते थे तो तब उनका व्यवहार हाकिम का होता था, लेकिन अंग्रेज जब वहां होते थे तो सब लोगों के साथ का बराबरी का व्यवहार। तो इसने देखा कि हर आदमी व्यवहार बराबरी का करता है। नागरिकता का पहला पाठ यह है कि दूसरे की स्वतंत्रता की उतनी ही रक्षा करो जितनी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा। हमारे एक मित्र शिक्षक थे, उनका एक अंग्रेज एक मित्र आया था, मैंने यहां आने के बाद शिक्षक मित्र बना, वो भी शिक्षक था, 3 महीने भारत के स्कूलों को देखता रहा, उसके बाद वो वापस गया, तो ये मेरा शिक्षक मित्र बाद में इंग्लैंड गया, वो भी 2-3 महीने रहा, तो आखिर एक तो अंत में वो अंग्रेज मित्र इस भारतीय मित्र से कुशलता से लेकिन मधुरता से पूछता है, भाई एक प्रश्न पूछूं, तुम 3 महीने रहे, तुमने हमारे स्कूल भी देखे, तुमने हमारा देश भी देखा, तुमने हमारे देश में किसी शहर में लोगों को सड़क पर थूकते देखा? आपके ध्यान में आए ना, यानी अगर वो इंग्लैंड वाला भारत में आता तो शायद हमारे भारतीय मित्र को यह पूछना पड़ता कि तुमने हमारे देश में किसी शहर में लोगों को सड़क पर न थूकते देखा। स्थिति अपनी यह है नागरिकता के विषय में। राजा धर्माधिकारी से एक किस्सा सुना था, तब पार्लियामेंट नहीं बनी थी, लेकिन पार्लियामेंट की जननी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घटना समिति, तो घटना समिति के सदस्य लोग 15 अगस्त 1947 के दिन दिल्ली नई दिल्ली की यात्रा के लिए घूम रहे थे। उस दिन शाम को एक कमरे में राजा धर्माधिकारी भी घटना समिति के एक सदस्य थे, तो एक कमरा दोनों शेयर करते थे, तो शाम को वो भाई जो वो कहता है कि दादा सचमुच स्वराज आ गया। तो दादा को बड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा उत्सव हुआ है और ये हुआ है, ये क्यों, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर है, ये कहता है सचमुच स्वराज आ गया, उसको कुछ और कहना चाहता, तो क्या मतलब, सचित स्वराज आ गया, स्वराज आ गया 2-3 बार कहता है, लेकिन क्या मतलब, अरे क्या बताऊं, आज तो घूम रहे थे तो वाइसरीकल लॉज, आजकल जो राष्ट्रपति भवन है उस समय वाइसराय रहते थे इसलिए उसको वाइसरीकल लॉज कहते, तो वो वाइसराय के भवन में जब हम लोग घूम रहे थे तो पान खाकर एक किनारे पर मैंने पिचकारी लगा दी, स्वराज आ गया। ये हमारे सांसद की सामाजिकता थी, ये सांसद की नागरिकता का प्रशिक्षण। ये जो भारत के पार्लियामेंट का मेंबर यानी पार्लियामेंट से भी पहले की जो समिति थी उसका सदस्य वो कहता था मैंने थूक दिया, ये स्थिति।
अपने यहाँ उसको दूसरे की स्वतंत्रता को अपनी स्वतंत्रता जैसा महत्व देते नहीं है। इसलिए कोई अगर बीड़ी फूंकता है तो वो ये नहीं सोचता है कि दूसरे को पसंद आएगा कि नहीं। अगर केले का खा छिलका खाकर सड़क में डालता है तो नहीं, तो ये जो नागरिकता की शिक्षा, ये गांधी की इंग्लैंड में सबसे बड़ी शिक्षा हुई। समय से हर काम को करना नागरिकता की शिक्षा का लेसन नंबर एक। यहां तक कि एक बहुत बड़े नेता भारत में बाद में आने के बाद के 1915 के बाद का किस्सा है, गांधी जी एक सभा में अध्यक्षता कर रहे थे और उनसे उम्र में कई साल बड़े एक नेता, काफी बड़े नेता जिनके गांधी जी चरण छूते थे, ऐसे नेता सभा में कुछ मिनट लेट आए और गांधी अध्यक्षता कर रहे थे तो अपनी घड़ी निकालकर कहा कि नेता का नाम भी लेकर, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता इस क्योंकि प्रसंग उनके लिए अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा आप नेता, इन्होंने स्वराज को इतने मिनट पीछे धकेला एक सभा में समय से ना आने से इतने मिनट पीछे। ये थी उनकी नागरिकता की तालीम, स्वच्छता, समय पालन और दूसरे नागरिक के हक का अधिकार को स्वीकार करना, ये सब नागरिकता में। लेकिन अब प्रतिज्ञा पर आ जाए, ये उनकी जो प्रतिज्ञा थी, दूसरी जो दो प्रतिज्ञा थी उसमें दूसरी प्रतिज्ञा सूक्ष्म थी, उसके विषय में वो स्वयं नहीं लिखते तो किसी को पता भी नहीं, पर स्त्री गमन नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा लेकर गए थे। और अगर घर में आकर मां से कहा होता कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मां मान भी लेती। लेकिन गांधी ने तो आत्मकथा में ही अगर थोड़ा भी इधर उधर ढीलापन हुआ तो उसको पहले लिखा, और इसीलिए पता भी चला कि जब वो कोर्ट्समाउथ में गए थे तो रात को अपने जिसके घर में किराए से रहने के लिए ठहरे थे उसके घर की मालकिन के साथ ताश खेलते खेलते कुछ सीमा का उल्लंघन करे वहां तक पहुंच गए, और दूसरे भाई उनके साथ एक इंडियन भी थे लेकिन उनसे बड़े और अनुभवी थे, उन्होंने जब एक हद से जब आगे गांधी ये तुम कर रहे हो, बस एक इतना ही प्रश्न किया। और गांधी जी जैसे गीता के पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग का अनुभव, वे पतुष्य शरीर में और गांधी वम संसते हस्तात् वक्ते व परिदह्यते, शरीर कांपने लगा, पसीना होने लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, भागे वहां से। और फिर उसका सारा वर्णन किया कि मेरी ऐसी थी, अरे मैं क्या करने जा रहा था। और फिर क्या कहते, मन में मैंने साथी का आभार प्रकट किया, किसी उनको कहा भी नहीं, लेकिन बड़ा उपकार हुआ कि मुझे उसने बचा दिया। और एक दिन उसके बाद दूसरी एक जगह पर एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठे हैं, मेन्यू में फ्रेंच भाषा में सब चीजें लिखी हुई थी और तब वो फ्रेंच सीखे नहीं थे इसलिए पढ़ नहीं पाते थे, एक टेबल पर बैठे हुए हैं और देखते हैं कुछ खाने का ऑर्डर नहीं है। उसी टेबल पर एक बुढ़िया बैठी थी इंग्लैंड की, वो देख रही है कि ये जवान बैठा हुआ है, मेरा खाना करीब करीब खत्म हुआ और इसने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। इंग्लैंड में तो परिचय के बिना बोलने का आमतौर पर आदत नहीं है, अमेरिका जैसा नहीं है, अमेरिका में तो जो कोई भी मिले हाय कह देने से बातचीत कर सकते, लेकिन इंग्लैंड में तो बड़ी फॉर्मेलिटी होती, इसलिए वो बोले। लेकिन फिर इससे रहा नहीं गया बुढ़िया से, इसलिए उसने कहा कि मैं आई हेल्प यू, तुमको कुछ तकलीफ है? तो हाँ हाँ बहुत कृपा हो अगर आप हेल्प करें, ये जो मेन्यू में लिखा हुआ है वो सब फ्रेंच भाषा में लिखा है और मैं समझता नहीं और मैं वेजिटेरियन। अच्छा तुम वेजिटेरियन, अच्छा तो ये सूप तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें तो
मांस है, लेकिन ये ले सकते हो, सलाद तुम ले लो, अमुक चीज ले लो, ये ले लो, ये मत लो, ये लो, ये सब कह रहे हैं। और एक बात बात खुल जाने के बाद फिर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं किया वो शिकायतों के लिए, फिर तो बातें चली। फिर पूछा कहाँ रहते हो, मैं लंदन में हूं, मैं लंदन के पास ही हूं, ऐसा करना अगले रविवार तुम मेरे साथ जरूर रहने के लिए आ जाना, मेरे यहां दोपहर को भोजन करना। अगले रविवार को गए और फिर वो हर रविवार की आदत हुई, उसमें एक विशेष कारण था। उस बुढ़िया की एक कोई भांजी या भतीजी थी और बुढ़िया को लगता था कि लड़का जरा ब्राइट दिख रहा है और भांजी के साथ कुछ दोस्ती अगर उसकी हो जाए तो अच्छा, क्योंकि वहां तो कोई जन्म कुंडलिया देखते नहीं है, वहां तो जो बड़े पीढ़ी वाले हैं वो एक बार परिचय करवा देते हैं, फिर अपने आप ही कामदेव को और रति को काम करने देते हैं। तो वैसे उन्होंने कहा था कि मैं भी परिचय करवा दूं, तो कह दिया था कि कभी बुलाते थे कि आज मेरे पेट में थोड़ा दर्द है तुम दोनों ही खा लो, कभी कहते कि अभी थोड़ी देर लगेगी थोड़ा घूम आओ, ऐसा करके उनको मौका देते। और गांधी अपने आत्मकथा में या तो मुझे भी फिर ऐसा मन में मेरी वृत्ति हो गई थी कि कब रविवार आया और कब मैं वहां जाऊं, यानी मुझे भी वो थोड़ा लोभ लग गया था। फिर आत्मनिरीक्षण ये शब्द मेरे, लेकिन वो शुरू होगी वो प्रोसेस, तो वो तुरंत क्या कहते हैं कि हाँ लेकिन वो बुढ़िया क्या सोचती होगी कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैंने तो उसको कहा नहीं है, उन दिनों कोई भारतीय आदमी बताता नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, वैसे गांधी ने भी नहीं बताया था, लेकिन उनको नहीं बताना ये तो असत्य हुआ। हिम्मत तो नहीं थी बोलने की, हिम्मत तो बहुत बाद में आई है, लेकिन लिख कर दे दी, तो लिख कर चिट्ठी भेजी कि आप मुझे बुलाती है, मुझे भी आपके यहां आना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज मैंने छुपाई है आपको, शायद आप अपनी भतीजी के साथ मेरा परिचय भी बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपके मन में शायद और भी कुछ इच्छा हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं शादीशुदा आदमी हूं और एक बच्चे को घर छोड़कर आया। ये लिखकर दे देते हैं, आपको अगर ये इससे बुरा लगे कि मैंने सचमुच में आपको धोखा दिया है इसलिए आप मुझे मना करेंगे तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगा और मैं जरा भी दुख नहीं मनाऊंगा, आपने ठीक ही किया ऐसा ही मानूंगा, ऐसा चिट्ठी लिखती है। बुढ़िया तुरंत जवाब लिखती है कि तुम्हारा पत्र मैंने अपनी भतीजी के साथ बैठकर ही पढ़ा और खूब हंसते हुए पढ़ा, अच्छा ऐसा है मामला, और हम तुमको कहते हैं कि अगले रविवार को तुम अवश्य हमारे घर में आना ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हारे दो टांगे खींचे, तुम जरूर आओ। और उन्होंने उसके साथ संबंध रखा। गांधी जी बैरिस्टर होने के बाद भारत आए, भारत आने के बाद भी उस बुढ़िया ने कुछ समय तक पत्राचार गांधी के साथ चालू रखा, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में वो पत्र हैं, वो मिलते हैं। ये तो कलेक्टेड वर्क तो दूसरे के आए हुए, लेकिन किन पत्रों के जवाब वो भी उसमें कुछ हिस्सों में है, उसमें से आप पूछ रहे। लेकिन ये चीज थी सूक्ष्म छोटी, लेकिन गांधी के मन ने उस मानसिक असत्य को कबूल नहीं किया इसलिए उन्होंने किया। दूसरी से प्रतिज्ञा उतनी सूक्ष्म नहीं थी लेकिन कठिन अधिक थी, और उस कठिनाई का कारण यह था कि उनके जो हितेच्छु लोग थे वो हितेच्छु लोग ही आग्रह करते थे कि मांस खाना तो तुम कर लो, तुम्हारा शरीर जब दुबला हो रहा है मांस तो तुमको खाना है। और गांधी जानते थे कि ये प्यार करने वाले लोग हैं और ये प्यार करने वाले जब आग्रह करते हैं तो और कठिन हो जाता है, इसलिए जरा कठिन तो था लेकिन वो कहते थे कि नहीं ये तो नहीं टूटेगा। तो एक आदमी ने तो उनमें से ये भी कोशिश की कि तुम ये जरा पुस्तक पढ़ो, दुर्गा तुम आप कहते हैं तो मैं पुस्तक अवश्य पढ़ूंगा, लेकिन उस पुस्तक के पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि मांस खाओ तो वो मैं करने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने मां के सामने प्रतिज्ञा ली है।
ये पहले तो प्रतिज्ञा कर, बाद में वो निरामिष रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते जब एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तब उनको मांसाहार नहीं क्यों करना चाहिए, वेजिटेरियनिज्म क्यों होना चाहिए, उसका साहित्य मिला। तो उस दिन खाने से पहले वो किताब खरीदी और तब से गांधी जो संस्कारवश वैष्णव संस्कारवश निरामिषाहारी था वो तब से विचारवश निरामिषाहारी बना और फिर उन्होंने वो प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन आग्रह करने वाले लोग केवल किताब देकर ही संतोष नहीं किए, उसने देख लिया था। और ये एक भी चीज जो गांधी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं, वो बस गांधी को नाटक देखना बहुत पसंद था। तो इसने कहा कि चलो तुमको मैं नाटक दिखाता हूं करके ले गए, बड़े थे तो गांधी भी ने सोचा कि चलो इनके साथ नाटक देखेंगे। तो वो नाटक देखने के लिए ले जाते हैं, लेकिन पहले हम लोग खाना खाएंगे और फिर रात के शो में जाएंगे। तो बड़े एक होटल में ले गए और वही गांधी जी मेन्यू देखने लगे, कुछ समझ में नहीं आई तो बेलर को बुलाया। तो ये बारीकी से देख रहे हैं कि यार भी क्या कर रहा है। जैसे ही बेलर को बुलाया तो क्या बात है, नहीं मैं तो जानना चाहता हूं कि कौन सी चीज वेजिटेरियन है कौन सी नॉन वेजिटेरियन है। देखो तुम्हारा ये नखरे यहां नहीं चाहिए, ऐसे नकड़िया ऐसे बड़े होटल में आकर ऐसा पूछा नहीं जाता, मैं तुमको जो दूंगा वो ले लो खा लो। तो कहके लेकिन अगर मांस की बनी हुई चीज है तो वो तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा तो तुम्हारी प्रतिज्ञा अगर नहीं टूटी है तो तुम होटल को मैं जाओ छोड़ दो। तो वो क्या कहते हैं, हाँ आपने मुझे आदेश दे दिया, मैं होटल छोड़ने को तैयार हूं। तुरंत होटल छोड़कर बाहर गए। उनको मालूम था कि उस स्ट्रीट के सामने की तरफ एक वेजिटेरियन होटल है, वहां पहुंच गए। तब तक वो वेजिटेरियन होटल बंद हो, तो फिर वो वापस आकर खड़े रहे जब तक ये आदमी खाना खाकर बाहर निकले। और फिर उस आदमी का भी बड़प्पन था, उसके बाद उसने कभी गांधी को मांस भक्षण के लिए आग्रह नहीं किया। तो उन्होंने चुपचाप जाकर नाटक देखा, लेकिन फिर कभी उन्होंने मांस भक्षण का आग्रह नहीं किया। लेकिन एक और आदमी मिले जो और आग्रही निकले, तो वो थे एक डॉक्टर। 3 साल की गांधी की पढ़ाई में एक ही बार उनको गंभीर बीमारी आई और उस बीमारी में उस डॉक्टर ने कहा कि तुम मांस खाओ वरना मरोगे। तो गांधी जी ने कहा कि सचमुच आप ये कह सकते हैं कि मैं मांस खाऊंगा तो जीऊंगा और नहीं खाऊंगा तो मरूंगा। तो बेचारा सत्यनिष्ठ आदमी होगा, तो उस डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मरना जीना तो ऊपर के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन तुमको मैं इतना बता देता हूं कि तुम अगर मांस नहीं खाओगे तो कल से मैं तुम्हारा डॉक्टर ले, वो उनका फैमिली डॉक्टर जैसा था, मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं, एकदम सीधे नोटिस दे, तो ठीक है मैं आपको कल जवाब दूंगा। ठीक है एक दिन और, दूसरे दिन वो मांस का सूप बनाकर गरम गरम तैयार लेकर ही आ गया, पी ले दवाई समझ कर पी ले, मैं डॉक्टर तुम्हें कहता हूं। तो गांधी ने कहा कि कल आप कह रहे थे ना मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, प्रतिज्ञा पालन करना तो नीचे वाले, मैं तो प्रतिज्ञा पालन करूंगा। अब यह याद रखिए इस समय उम्र वर्ष 19 थी, 19 वर्ष का युवक जब उसको डॉक्टर कहता है कि शायद मर सकते हो, महाभारत के यक्ष प्रश्न के जवाब में युधिष्ठिर जैसे जवाब देता है, लेकिन यह 19 वर्ष का मोहनदास वो कहता है मरना होगा तो या जीना होगा ईश्वर के हाथ में, प्रतिज्ञा पालन करना तो मेरे बस की बात है, रथ टूटेगा नहीं। मां की साक्षी में जो प्रतिज्ञा ली है वो तो भीष्म प्रतिज्ञा ली है।
साक्षी में कह जो मेरे चाहे देह जाए तो भी वचन करेगा वचन करेगा प्यारी माँ की साक्षी में कह जो मेरे चाहे देह जाए तो भी वचन करेगा स्वामी जी की सानिध्य में प्रतिज्ञा ली है स्वामी जी की सानिध्य में प्रतिज्ञा ली है गंगा माँ की गोद में पिता है तुजोनिया गंगा माँ की गोद में पिता है तुजोनिया नाशवंत देह की भी इतनी चिंता क्यों करे नाशवंत देह की भी इतनी चिंता क्यों करे सत्य ही तो परमेश्वर है सत्य ही की साधना सत्य ही तो परमेश्वर है सत्य ही की साधना साक्षी में कहे जो लिए चाहे देह जाए तो भी वचन करेगा चाहे देह जाए तो भी वचन करेगा चाहे देह जाए तो भी वचन करेगा क्योंकि प्रकृति के कारण से हम लोगों ने देर से आरंभ किया था आमतौर पर मुझे एक एक कथा के लिए 3 घंटे चाहिए आज 20 मिनट तो उसमें से मैंने काटे हैं कल ठीक 6 बजे आरंभ कर सके और 9 बजे पूरी कर सके ऐसी आशा करते हैं कल दक्षिण अफ्रीका के 21 वर्ष इतना कल का हमारा विषय रहेगा आज यहाँ समाप्त